शमीर, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने इतनी जल्दी नहीं उठाया करो, ऐसे तो बिल्कुल नहीं उठाया करो। उठ जाए ना, आपको दफ्तर नहीं जाना, उठे चले। अम्मा चाय। याद है ना कल आपकी शुगर कितनी बढ़ गई थी, अब तो शक्कर लेना कम कर दे प्लीज। डॉक्टर ने कहा है कि आपके लिए शक्कर जहर है। रहने दे रहने दे, शुगर मेरी बढ़ती है बेटों की बेरुखी और बहुओं की ज्यादतियों से। ए गरीब, शक्कर का क्या कसूर, चीनी के बगैर चाय ना दिया कर मुझे, वरना जीनत से कह दूंगी वही दे दिया करेगी चाय। अच्छा ठीक है, नाराज नहीं हूं, मैं लेकर आ रही हूं। ब्रेड रेडी है भाभी? हाँ। ये अंडे ले लूँ प्लीज, किसके लिए बनाया है? ले लो भाई, सबके लिए बनाया है। थैंक यू, थोड़ा सैलेड भी दे दे प्लीज भाभी। हाँ हाँ, जरा इसे पूछ क्यों रही हो, लो सब क्या है ये, और चाहिए? थैंक यू। क्या बात है, तुम इतनी जल्दी में क्यों? हिना को वॉक पे लेके जाना है ना, बहुत देर हो गई है। वैसे तुम्हें ये अजाब पालने की जरूरत क्या थी? तो क्या मना कर देती, शामत आ जाती मेरी। शामत? वो तो कुछ ना करके भी आएगी और कुछ करके भी आएगी, और कुछ करके सलावातें सुनने से बेहतर है कि मत करो। भाभी कितना टाइम और लगाएंगी? आ रही हूँ। 8:30 बज गए, वैसे भी हो गई शुरू। ये लो नाश्ता। ये क्या है? ऑमलेट और पराठा कहा था मैंने, ये तुम क्या लेके आ गई हो? पराठा बनाने में बहुत देर हो जाती है, हिना को वॉक पे लेके जाना है मुझे। अभी ये वॉक का नया तमाशा शुरू हो गया, तुम्हें पता है ना इसी वक्त मुझे, और ये देखो इसका बटन भी नहीं है। अब जल्दी से यहाँ तो दूसरी शर्ट दे दो या फिर बटन टांग दो। शामीर अब ये क्या कर दिया आपने? मैंने कर दिया? कोई खुद से अपनी शर्ट का बटन तोड़ता है क्या? तुमने नहीं देखा जब तुम मिस्त्री कर रही थी शर्ट के, शर्ट पे बटन नहीं है? अब आ भी जाए। चलो, ये जो वॉक का नया ड्रामा शुरू हुआ है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें खुद से इस बात का ख्याल नहीं है कि इसी टाइम पे मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है, मेरा कोई काम करना पड़ता है तुम्हें? तुम्हें तो बस जान छुड़ाने का एक मौका चाहिए, वो मिल गया तुम्हें। हिना आओ चलो। अरे रहने दे भी, रहने दे, हमारे सामने अच्छा बनने का नाटक करती और पीछे से जाके शौहर के कान भरती है, इससे तो अच्छा हमसे हमदर्दी किया ही ना कर तू। नहीं नहीं फूफो, शामिल के लिए नाश्ता बनाने में देर हो गई। अम्मा अम्मा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाय बेटा, तूने सुन तो लिया होगा अपने कानों से सब कुछ। कपड़े धो रही हूँ, मशीन की आवाज है। अभी कल ही तो तुमने मशीन लगाई हुई थी। आज आबिदा बाजी के कपड़े धो रही हूँ। वो भी खूब है, पहले तो तुम्हें बहाने से अपने घर बुलवा लेती थी काम करवाने के लिए, अब काम घर लेके आ जाती है। शामिल कुछ कहता क्यों नहीं है? तुम बहुत मोहब्बत करते अपनी माँ और बहनों से। मोहब्बत तो खैर वो तुमसे भी करता था। याद है मुझे शादी के 2 साल पहले तक क्या हालत होती थी उसकी तुम्हारे बगैर? अब तो लगता है सिर्फ तुम ही इश्क करती हो और वो कहीं और ही अटक गया है। हाँ मेरा तो आज भी वही हाल है, वो ही संभल गया। तुम एक काम करो, तुम रात को मेरे घर चक्कर लगा। शामिर से कहना मैंने बहुत ही मजे की खीर बनाई है, वो मना करेगा ही नहीं। ठीक है भाई, तुम्हारा नाम लेके कहूंगी तो फौरन मान जाएंगे, वरना नखरे दिखाते रहेंगे। ठीक है, सी यू देन। Thank you.
थैंक यू। अरे मर गया वो। तो गेम तो तुम घर पे भी खेल सकते हो, यहाँ आके गेम खेलने की क्या जरूरत है? क्या करूं, तुम्हारे घर आके ना गेम खेलने का मजा ही कुछ और। इसका मतलब है कि तुम लोगों को मेरे घर का दिन में एक दो मर्तबा चक्कर लगा लेना चाहिए। एक दो मर्तबा? हमें अपने घर में इतनी आशी करने की इजाजत नहीं है। वैसे भी मेरी माँ को ना तुमसे बगावत की बू आती है। बगावत की बू? अभी बगावत की भी नहीं और बू आना शुरू हो गई उन्हें। क्या हो गया यार, क्या मसला है आपके साथ? चले ना, वैसे इतनी देर हो गई है। मुझसे नहीं चला जा रहा, ये चप्पल बहुत काट रही है मुझे, बता कहीं बस करो यार। तो तुम एक काम करो, तुम चले जाओ, मैं आराम करूंगी थोड़ी देर। आप ही जाए हिना। ऐसे क्या देख रही हो? अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू। मेरी घड़ी पता है कहाँ है, मिल नहीं रही। दे रहे। थैंक यू। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। बस सिर्फ अच्छी लग रही हूँ मैं आपको। बाबा नाराज क्यों होती हो? बहुत अच्छी लग रही हूँ। मेरा गिफ्ट कहाँ है? कौन सा गिफ्ट? हमारी वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट। वो अभी मैंने लिया नहीं। क्या मतलब लिया नहीं? आपने तो कहा था कि आप ले चुके। हाँ वो थोड़ा भरम रखना पड़ता है, इसलिए मोना के सामने कहना पड़ता। नकली ही सही, मगर कुछ तो दे देते मुझे आप, कम से कम हमारी मोहब्बत का ही भरम रख लेते। तुम सही कह रही हो, गलती हो गई, अगली बार ऐसा कभी कुछ हुआ तो मैं ख्याल रखूं। आपकी मोहब्बत ना सही, मोना की मोहब्बत तो मुझे पूरी मिली है, हर रिश्ता निभाया उसने। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, जब जब मुझे जरूरत हो ना मेरी माँ भी बन जाती है, बहन भी बन जाती है, दोस्त भी। और हमारी बीवी का तोहफा कहाँ है? अभी दिया नहीं है, अब देंगे। क्यों? वो मौका नहीं मिला, पर जैसे मिलेगा जरूर। इंसान की नीयत साफ होती है ना तो मौका ढूंढ ही लेता। एक्सक्यूज मी। शमीर गुस्सा क्यों हो रहे? मोना ही तो है, हमारी दोस्त है। दोस्त है तो फिर दोस्त ही रहे ना। मैंने तोहफा दिया तो मैं या नहीं दिया, ये तुम्हारा और मेरा मामला है। ये कौन होती है बीच में टांग अड़ाने वाली? कोई बात नहीं, हम तीनों ही थे ना, और कौन था हमारे पास? गुस्सा नहीं। तुम लोगों को खाना अच्छा लगा? हाँ खाना तो बहुत अच्छा था, आपको नहीं लगा अच्छा? नहीं अच्छा था, पर शायद थोड़ा ज्यादा खा लिया मैंने, एसिडिटी हो रही है। सर रास्ते में एक पार्क आ रहा है, क्यों ना रुक के वॉक कर लेते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है। हाँ आइडिया अच्छा है, रुकते हैं। तो
से और वॉक नहीं किया जा रहा, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। क्यों? आज हिना को लेके गई थी ना वॉक पर, तो मेरे पैरों में पूरे छाले पड़ गए हैं। तुम गई क्यों सुबह उसके साथ वॉक करने? मम्मी की वजह से। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ आराम से, हम बस एक चक्कर लगा के आए। Happy first anniversary. Thank you. You're welcome. It's very pretty. आज हमारी शादी की पहली anniversary है। तुम घर नहीं आ सकते? लो, अब तुम्हारे दिल ने एक और फरमाइश कर दी। जहां इतना सब कुछ हो गया है, वहां एक और धोखा ही सही। हमारी शादी की सालगिरह है, तोहफे में कोई धागा ही पहना दे, कसम से सारी जिंदगी पहन के रखूंगी। कसम से हम दोनों ने एक ही वक्त आंखें बंद की थी, लेकिन पहल उसने कर दी। मोना अगर वो पहल ना भी करती तो मैं इजहार कर देता, क्योंकि मैं अजरा से मोहब्बत करता था। इसीलिए तो मैं पीछे हट गई थी। तो अगर पीछे हट गई थी तो फिर अब शादी के इतने सालों बाद आने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं तुम्हें भूल जाने का इंतजार कर रही थी। तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल से हटने का नाम ही नहीं लेती। मुझे जाना है। मगर कहां? तुम्हारी सौतन के पास जाना है। मजाक मत करें और सच बताएं कहां जा रहे। मैं सच ही कह रहा हूँ अजरा, वो अलग बात है कि तुम मान नहीं रही। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ऐसा होता तो मैं मरना चाहती। और मानो ऐसा हो गया हो पर तुम्हें पता ना चला। अगर आपने मेरे साथ बेवफाई की होती तो पता करना या चलना मायने ही नहीं रखता। मैं जिंदा हूँ उसका मतलब ये है कि आप मेरे साथ हैं, मेरे। अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी नहीं चाहता। पिछली बार भी आप सखर चले गए थे हमारी शादी की सालगिरह वाले दिन, मुझे अकेला छोड़कर। शामिर और रिहान अली, आपका निकाह मुना मिर्जा मलिक मिर्जा के साथ मुबलक 32 रुपए 8 आने के बहक मेर इवज इन गवाहान की मौजूदगी में पढ़ाया जाता है, क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। समझ लो पिछली बार जो मजबूरी थी ना, इस बार भी वही है। चलता हूं मैं, देर हो रही है।
बस अभी अभी पहुंचा। अल्लाह का शुक्र है, आप थक गए होंगे ना बहुत। ओके, गुड नाइट। हाफिज। अभी तक सोई नहीं है? पहले कभी सोई है? पता है खुदा का लेन देन का निजाम भी ना बड़ा अजीब होता है, कहीं खुशियों की बारिश और कहीं एक छोटी सी खुशी भी मुयसर नहीं। अच्छा बस, मैंने खाना बनाया, मैं लगा देती हूँ, तुम चेंज करो। स्पाइडरमैन वाली टी शर्ट ना हुई, कोई कमखाब का टुकड़ा हो गया। सब समझती हूँ मैं, तुमने जानबूझ के शिराज के जहन में ये जहर डाला है कि भाई ये बच्चे आपस में लड़ेंगे तो बड़ी ननका आना जाना इस घर में बंद होगा। मैं ऐसा क्यों करूंगी बाजी, बच्चा है वो, अपने घर में क्या जिद भी नहीं कर सकता। अच्छा अपनी बकवास बंद करो, ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं है, तो दफा हो जाओ यहां से। मुझे दवाई नहीं पीनी। बेटा दवाई नहीं पियोगे तो ठीक कैसे होगे? फिर मैं तुम्हें टीवी पे कार्टून्स लगा दूंगी। हाँ चल मेरा बेटा, दवाई पी ले, फिर मैं अपने बेटे को नई गाड़ी खरीद के दूंगा। बाबा मैं साथ को गाड़ी नहीं दूंगा। वो कोई जरूरत नहीं। हर वक्त फैशनों में लगी रहती है, समझाया करना इसे आपदा, थोड़ा घर गृहस्थी में दिलचस्पी लिया करे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। ये तुम दोनों किधर को निकल लिए थे सुबह सुबह? अरे अम्मी समझा करे ना, बेगम साहिबा नाराज थी, आखिर उन्हें मनाना भी तो था। ऐसी कोई बात नहीं, वो तो शिराज रो रहा था तो कार का लालच देकर उसे मेडिसिन खिला रहा था। तुम हमें बेवकूफ नहीं बनाया करो समझे, जिस तरह से तुम्हारी बेगम तुम्हें दीदे फाड़ फाड़ के देखती है ना, सब समझ आता है हमें, कितना रोब है तुम्हारा और कितना डरती है वो तुमसे। भूल है आपकी, कोई औकात नहीं है उसकी मेरी जिंदगी में, और मैं बिल्कुल भी दूसरे मर्दों की तरह जोरू का गुलाम नहीं हूं। अगर शामिर होते ना तो कोई ना कोई इंतजाम कर लेते वो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे अलावा मुझे कोई और नहीं सोच रहा है। प्लीज मैं तुम्हारे पास बहुत मान से आ रही हूँ, मुझे 8 से 10 हजार रुपए दे देना। शामिर के आते मैं तुम्हें लौटा दूंगी। प्लीज मैं तुमसे जो भी मांगू ना खामोशी से दे देना, ये ना हो कि हमारी दोस्ती का मान टूट जाए और ये लोग उस पर हंसे। ऐसे कई मर्तबा तुमने एतबार बनाए और मिटाए हैं। तुम पैसे दे रही हो या नहीं? जाहिर है दे रही हूँ, ये बताओ आ कब रही हो? बस थोड़ी देर में खाना बना के निकलती हूँ। पुल के दूसरी तरफ तो दुनिया ही और है, हर आम इंसान भी लगता है कितना अमीर कबीर आदमी है। शाम को जो लोग रिश्ता लेने आ रहे हैं ना, वो भी इसी इलाके के। फिर मैं भी इन्हीं गलियों में उसकी गाड़ी में घुमा करूंगी, पता नहीं कैसा दिखता होगा। आपदा बाजी आप कहिए ना प्लीज, इसे गाड़ी दे दे, थोड़ी देर के लिए दे दे बस। मुन्ने दे दो गाड़ी। दे दो बेटा, बस थोड़ी देर के लिए दे दो। आप हो जाइए। हाँ इसमें हिम्मत की नहीं, अपनी औलाद से मोहब्बत की जरूरत होती है। अम्मी साथ चलो बेटा घर चले। अम्मी हम नहीं आएंगे आपके घर, आपसे मिलने के लिए आती हूँ मैं, अपने बच्चों को पिटवाने के लिए नहीं आती। माफी मांगो। किस बात की माफी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी किया है अभी और इसी वक्त आपदाबाजी से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैं कह रहा हूं अभी और इसी वक्त माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगी माफी। शाबाश।
तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाए तो मंगनी का मेकअप मेरी तरफ से गिफ्ट है। सच्ची? ये लो। थैंक यू। बोला? ये तुमने कब ली? अब ये बहुत पुरानी है, मेरी दादी की थी। वाह, मुझे भी दिखाएं? कभी तुमने मुझे बताया नहीं। कितनी प्यारी है ये, गोल्ड की है। ये लो। मुन्ना बाजी, आप सिगरेट भी पीती हैं? नहीं नहीं, वो अजी भाई पीते हैं। अजी भाई? वो कब आए? हाँ, कल परसों ही आए ना, सियालकोट से। उन्हीं के हाथ तो फुप्पी ने चेन भिजवाई थी। ये है मोना का खजाना। कहाँ से लाते हैं आप इतनी अच्छी चीजें? बस जमा करती रहती हूँ। ओ, ये भी है। नाइस, ये तो सबसे प्यारे हैं। जी? हाँ, ये गोल्डन वाली जो है ना। शामिल का वॉलेट यहाँ कैसे आया? वो रात को ना गाड़ी में भूल गया था मेरी। देखो ना, मैं भी तुम्हें बताना बिल्कुल भूल गई। तुमने मुझे फोन भी किया था, तब भी मुझे याद नहीं रहा। तो वो अपने वॉलेट के बगैर लाहौर चले गए? हाँ, वो रात को शामिल ने फोन करके कंफर्म कर लिया था मुझसे। उसने कहा किसी कुलीग के साथ गया हुआ है, उसके साथ मैनेज कर लेगा और वापसी पे आके ले लेगा। अब तुम आ ही गई हो तो लेती जाओ ना। मैं क्यों लेके जाऊं? उन्हें कहना है कि खुद आके ले जाए। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? मियाँ बीवी के दरमियान तो लड़ाइयां होती रहती है ना, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप घर छोड़ के चली जाए इस तरह। है ना, आपको देखने आज लड़के वाले आ रहे हैं। और कुछ भी हो, ये आपके शौहर की बहन है और सबसे बढ़ के हमारी भी तो छोटी बहन है। आप छोड़ के नहीं जा सकती इस तरह। अजरा, तुम थकती नहीं हो इस जलील जिंदगी से? और ये लोग इतने भी अहम नहीं हैं जिनको खुश करने के लिए तुम खुद को मिटा दो। चलो भाभी। वो लोग आ गए और ये उनके सामने ही निकलेगी, क्या होगा? मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर कब तक ये शादी छुपा पाएंगे हम। अगर मैं कहूं कि बताने का वक्त आ गया है तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितनी तकलीफ होगी ना उसे, सह नहीं पाएगी, मर जाएगी वो। तकलीफ तो उसे होनी ही है, ये बात हम हमेशा के लिए तो नहीं छुपा सकते ना। कभी ना कभी तो खुलेगी। शामी, तुम्हें कभी औलाद की ख्वाहिश नहीं होती? औलाद से ज्यादा कभी कोई ख्वाहिश नहीं रही मेरी। अब तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब कि आई एम प्रेग्नेंट। यू आर प्रेग्नेंट? यस। अच्छा, वो अभी जो घर से बाहर गई थी वो आपकी बहू है? जी बहन, अब मैं क्या बताऊं कि मैं किस कदर शर्मिंदा हूं आप लोगों से। मैं चाहती थी वो यहाँ आपके पास बैठे, आपसे बातें करे, आपकी आओ भगत करे,
लेकिन क्या कर सकते। मगर आपका दूसरा बेटा नजर नहीं आ रहा। मैं चाह रही थी कि मेरे बेटे खालिद से मिल लेते हो। वो उसके दोस्त के अब्बा को अटैक आ गया बड़ा शदीद। अब मैंने उससे कहा बेटा जा उसके पास, उसे तेरी जरूरत है, कोई खिदमत खल्क भी चीज होती है ना, हमारा तो अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं। अब तक अगर नहीं लौटा तो इसका मतलब है कि उसके अब्बा की तबीयत अभी संभली ना होगी। उसकी बीवी ने भी सोचा कि पता नहीं कब आएगा तो मैं चली जाऊं अकेली। चलें फिर आप हमारी तरफ से तो हाँ ही समझें। आपकी बेटी हमें माशाल्लाह से बहुत पसंद आई है। अगर आपका बड़ा बेटा भी मेरे बेटे से मिल लेता तो अपना फैसला सुना देता। कुछ देर पहले तक तो तुम्हारी औलाद से बड़ी कोई ख्वाहिश नहीं। यूं अचानक पता नहीं, मैं तंग आ गई हूं शामिर, मैं तंग आ गई हूं तुम्हारे, मेरे और अजरा के इस रिश्ते से। मुझे सिर्फ मेरा, मेरे बच्चे और मेरे शौहर का रिश्ता चाहिए। मेरी तन्हाई काटती है मुझे। आधी जिंदगी तुम्हारी चाहत के इंतजार में गुजारी, आधी जिंदगी इस रिश्ते को छुपाते हुए नहीं गुजारना चाहती। मुझे मेरा घर चाहिए, जीने का आसरा चाहिए मुझे। तुमने कहा था कि जब तक मैं चाहूं हम अपनी शादी को छुपा के रख सकते हैं। कुदरत के फैसले के आगे किसी की नहीं चलती। अब ये बात खुलनी चाहिए। तुम वापस कब आओगे? अभी तो दुआ करो कि ये मरहला आराम से गुजर जाए, कोई मुश्किल ना। शुरू में मुश्किल होगी, बाद में आसानी ही आसानी है। तुम बस उसे ये समझाने की कोशिश करो कि मेरी औलाद उसकी भी औलाद होगी। तुम्हें लगता है ये सब बातें करके हम उसे बहला लेंगे? नहीं, पहले समझाना होगा उसे, बाद में संभाल लेंगे। जब दिल के हाथों मजबूर होकर वो मोहब्बत कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। मोहब्बत में बेबसी उसके लिए नई बात नहीं होनी चाहिए। ये क्या, आप बच्चों की वीडियोस क्यों देख रहे हैं? हाँ, ऐसे ही दिल कर रहा था देखना। जब मेरे बच्चे होंगे ना, बिल्कुल ऐसी हरकतें करेंगे। और अब उन्होंने फरमाइश कर दी औलाद की? फरमाइश तो नहीं की है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो भी चाहते हैं हमारे घर औलाद। अच्छा हुआ वक्त पे आ गया, वरना डिहाइड्रेशन हो जाता उल्टियां कर करके। इसलिए तो कहती हूँ कि उसे बताकर कुछ दिन के लिए मेरे पास आ जाओ। वैसे भी जब तुम उसे बताओगे हमारी शादी के बारे में और बच्चे के बारे में तो फेस नहीं कर पाओगे।
एक बार उसे बता ही क्यों नहीं देते? एक ही बार कयामत आ जाए ना। किसका है? और फोन ही कौन करता है मुझे? एक तुम और एक तुम्हारी बीवी। ओ, तो अब वो मेरी बीवी हो गई, सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं रही। चलो, वाकई देर हो रही है, चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। तुम्हें मैं कब से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों उठा रही है? तुमने मुझे फोन किया था, मुझे पता भी नहीं चला, बैग में था। सॉरी। कहाँ से आ रही हो तुम? यार वो तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो हॉस्पिटल गई थी मैं। तुम क्या क्यों खड़ी हो? चलो ऊपर चल के बात करो। चलो ना। ये शर्ट किसकी है? ये वो अजी भाई की है, कराची आए हुए थे ना, छोड़ गए। हैरत की बात है, बिल्कुल ऐसी शर्ट शामिर के पास भी है, मगर लाहौर गए थे ना तो वो वहीं भूल कर आ गए। हाँ, इस कंपनी ने सिर्फ एक ही शर्ट बनाई है और वो तुम्हारे शामिर के पास है, और तो कोई पहन ही नहीं सकता। प्लीज लाइट बंद कर दोगी, मुझे सोना है, नींद आ रही है। सुने, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। पर मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास मुझे कुछ भी जरूरी कहने के लिए होगा। वो आज मैं निधि डॉक्टर के पास गई थी। कब? देखा, आपकी नींद उड़ गई ना, और हाँ, चीज ही ऐसी होती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने अपना इलाज शुरू करवा दिया, बाप भी अपनी जेब ढीली करने की तैयारी कर ली। पर क्यों? क्योंकि मैंने आपके चेहरे पर औलाद की ख्वाहिश पढ़ ली थी। अजरा मेरी बात सुनो, तो एक तरह तो मैं मेरी फेस रीडिंग करने की कोई जरूरत है नहीं, और दूसरा मेरी अब ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है। ओके? मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, मुझे तुमसे ना तो औलाद चाहिए, ना ही मुझे कुछ भी और चाहिए, मुझे बस प्लीज थोड़ा सा सुकून चाहिए। वो मिल सकता है कि नहीं बता दो, और तुम कहती हो ना तो मैं तो घर पे भी नहीं आऊंगा, वो लाऊं कि ना। और हाँ, एक और बात, दोबारा कभी मुझसे ये इलाज विलाज की बात नहीं करना, कभी नहीं। ना मुझे कोई टेस्ट करवाने की जरूरत है, ना ही कोई रिपोर्ट दिखाने की जरूरत है। सही है, जो भी मेहनत करनी है ना उसको तुम्हारे पे करें, और मुझे दोबारा कहना भी नहीं। तो ठीक है, मैं अपना इलाज करवाऊंगी। दवाइयां खाली? तुम भूल गए हो, तुम मुझे खुद खिला के गए हो। तो फिर तबीयत क्यों खराब हो गई? क्या कर रहे हैं? तुम्हें नहीं दिख रहा मैं क्या कर रहा हूं? उसे बता दो, अभी कोशिश करो,
जल्दी से बताकर अभी अभी मेरे पास आ जाओ। बोल दो एक ही झटके में, कुछ भी नहीं कह पाएगी वो सिवाय रोने के। तुम्हारे सारे पैसे बहुत जल्द तुम्हें वापस कर दूंगी, अगर अभी तुम मेरी मदद कर दो प्लीज। अजरा अगर मेरे पास होते तो मैं जरूर दे देती। बोला सिर्फ 10,000 रुपए चाहिए, तुम इतने तो कर ही सकती हो ना? नहीं है ना, मेरी कुछ जरूरतें आ गई, मैं कैसे पूरे करूंगी? क्यों रही हो, क्या हुआ है? हाँ I'm sorry, मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकी, बट मैं क्या करूँ इस वक्त, मेरे पास अभी जो पैसे हैं वो सब मेरी ज़रूरत के मुताबिक है। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम पहले ही बहुत बीमार हो। I'm really sorry, मैं कुछ कर लूँगी, टेस्ट करवा लूँगी, तुम परेशान मत हो, बस अपना ख्याल रखो ठीक है? मैंने अपना घर इतना बिखराया हुआ है। तुम छोड़ दो ये, मैं कर दूँगी सफाई पूरे घर की, बस अपना ख्याल रखो और ठीक हो जाओ। थैंक यू। इन कपड़ों का क्या करूं, मैं अंदर हैंग कर दूं या तुम्हें पहन ले? नहीं नहीं पहन। मेरे किसी भी मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम भी तो कल से यही कर रहे हो मेरे साथ। तबीयत कैसी है? तुम्हें क्या, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। जाओ अपनी बीवी को जाके मनाओ, कल रात से भी उसे ही मना रहे हो ना तुम। मैं तो बस तुम्हारे लिए छुपी हुई औरत हूं। प्लीज यार, इस किस्म की बातें मत किया करो, तुम भी जानती हो कोशिश कर रहा हूं। यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह, यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह। सोने रब दे अग्गे देवा देवा मैं दुहाइया, दुहाइया 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 देवा मैं दुहाइया। वे मैं रब कोलो पूछा मैं होर दुनिया दे क्यों आईया, रवे नाल तू मेरे में फेर विकटा जुदाईया। हर रात मैं रो रो के अपनी आँखा सुजाईया। हाय डॉक्टर साहब, कैसी है हमारी बच्ची? मुझे ये बताएं कि क्या पहले भी इनका ब्लड प्रेशर इसी तरह हाई रहता है? जी नहीं, कभी नहीं। कोई शॉक पहुंचा था, कोई सदमा या कोई और परेशानी की बात हुई थी? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं, खुशबाश गई अपनी सही इसके घर गई थी। अच्छा, वहाँ कोई तो बात ऐसी हुई होगी कि इनको इतना गहरा शॉक पहुँचा है। वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक था, बस अचानक चकरा के गिर गई। उनकी हिस्ट्री में ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल ठीक हैं और अच्छी खासी वो दोस्त के घर गई और उनका ब्लड प्रेशर इस तरह हाई हो गया, मुमकिन नहीं है ये। समझ में आने वाली बात तो वाकई नहीं लगती। एनीवेज, अभी सिटी स्कैन हो रहा है, इससे पिक्चर और क्लियर हो जाएगा, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है, बहुत क्रिटिकल है, आप लोग उनके लिए दुआ करें।
मुन्ना बेटी जी, बहुत देर हो गई, अब घर जाओगे? जी मैं चलती हूँ, मैं कल फिर आऊंगी। शामी कहाँ चले बेटा, यहीं रुको, तुम्हारी बीवी बीमार है, चली जाएगी, बच्ची थोड़ी है। हाँ ठीक कह रही है, तुम यहीं रुको। अरे नहीं, मैं तो बस वॉलेट गाड़ी में पड़ा है इसकी, वो लेने जाना। पिछले एक साल से तुम्हारे दिल में जो ख्वाहिश दबी हुई है वो पूरी होने जा रही है, तो क्यों घबरा रहे हो तुम? मैंने ना कभी ऐसी कोई ख्वाहिश की, ना ही मैं ऐसा सोच भी सकता हूँ कि अजरा को कुछ हो जाए। लेकिन ये तो चाहा था ना कि वो हमारे दरमियान ना रहे, हमारी जिंदगी से चली जाए। तो कुछ हो गया ना, याद रखना हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्यों पछताते रहेंगे शामी, हमने आखिर ऐसा किया क्या है? अगर वो हमारी मोहब्बत नहीं सह पाई तो इसमें हमारा क्या कसूर है? समझाया था तुमने, कहा था ठहर जाओ रुक जाओ, अगर हम चाहते तो आहिस्ता आहिस्ता हम अजरा को शादी के बारे में बता सकते थे। देखो अल्लाह ने चाहा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। जितनी अजियत में अजरा है उतनी अजियत में मैं हूं। अच्छा मैं बाद में कॉल करता हूँ। कौन था फोन पे? ऐसे एक दोस्त था, अजरा के बारे में पूछ रहा था। दोस्त था या दोस्त थी? शामिर कल शाम क्या हुआ था? शादी कर लिया ना तूने मुन्ना से? ये सुन के इसकी ये हालत हुई है। आपको बुला रही और किसी मोना का भी नाम ले रही, प्लीज ख्याल कीजिएगा, कोई ऐसी बात मत कीजिएगा कि उन्हें कोई सदमा हो या स्ट्रेस हो। प्लीज ठीक है ना वो? जी जी चल जा। मैं नहीं जाऊं, मुझे देख के उसकी तबीयत दोबारा खराब हो गई तो। अंदर तो जा, मिल तो सही उससे। क्या था शामिर जो मैंने देखा? हाँ और मोना इतने करीब, क्या चल रहा है? कितने करीब खड़ी थी वो आपके, आपके गले लग रही थी और आप उसे कह रही थी कि हट जाओ, हसरा देख लेगी, दूर हो जाओ। और वो बेशर्मी से आपके गले लगे मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी।
देखो डॉक्टर ने कहा है कि अभी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए तुम्हें, तुम आराम करो, हम बाद में सारी बातें कर लेंगे। जो मेरे पास होता है वो छीन लेती है मुझसे, कुछ नहीं रहने देती मेरे पास, मेरी हर चीज उसे चाहिए होती है, झूठ बोलती है वो। ये दवाई इन्हें बाकायदगी से खिलाइएगा जी, और कोशिश कीजिएगा किसी किस्म का स्ट्रेस ना हो इन्हें, ताकि इन्हें गुस्सा ना आए, और अगले हफ्ते दोबारा जरूर चेकअप के लिए लेकर आइएगा जी प्लीज। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू, थैंक यू सर जी, थैंक यू। हजरा चले, डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा बात करने से मना किया है, और ये भी कहा है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, फिर भी डॉक्टर को क्या पता मुझ पे क्या बीत रही है, फोन मेरे यहां से अब बात कराए मेरी, पूछूंगी कि उसे आपसे मोहब्बत कब हुई, ये कैसा प्यार जो उसको आपसे हो गया मुझे पता भी नहीं चला, फोन मेरे यहां से मेरी बात करनी है उससे, मुझे बात करनी फोन मेरे यहां से, प्लीज काम डाउन, मुझे पता है क्या आपको उससे मोहब्बत है, क्या उसने आपको फंसाया, इस भरी दुनिया में सिर्फ दो ही तो रिश्ते थे जो मेरा सहारा थे, और उन्होंने मुझे काट के एक दूसरे का हाथ थाम लिया। तुम्हें किसी ने नहीं काटा, ना ही ऐसा कोई इरादा है, मैं तुमसे हमेशा जुड़ा रहना चाहता हूँ, और अगर मेरी उससे औलाद होती है तो वो औलाद तुम्हारी भी तो होगी ना, जिस मोहब्बत के खजाने के कभी ना खत्म होने के दावे किया करते थे, नहीं शाम मेरी कीमत कभी नहीं अदा कर सकूंगी, कभी नहीं कर सकूंगी, चले मैं ही इस जनाजे को घर तक पहुंचा देती, मुझे प्लीज इतना वक्त दे दे कि जब तक मेरी डॉक्टर मायूस हो जाए, मतलब ये कि अगर चंद महीनों में मेरी औलाद नहीं हुई, आप मोना से शादी कर लेना, इसके साथ अपना घर बसा लेना, मैं रास्ते से हट जाऊं, देर के लिए मेरे पास आ सकते हो, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। मैं अज़रा बात कर रही हूँ, सारी जरूरी बातें तुम मुझसे नहीं मेरे शौहर से क्या करोगी, फिलहाल आपके लिए रॉन्ग नंबर था, कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस आ, शामिर दो साल मैंने अपनी मोहब्बत की 6 साल निभाने में
कुल मिला के 8 साल दिए मैंने आपको, इसलिए मुझे सिर्फ 8 महीने ही देते। ठीक है, मैं देता हूँ तुम्हें 8 महीने का वक्त। अगर तुम मुझे औलाद दे सकी तो मैं तुम्हारा, और अगर नहीं तो तुम मेरी। नजरा जो मेरा है वो मेरी मजबूरी भी समझेगा और मेरी तकलीफ भी। हेलो, मेरी शामिर साहब से प्लीज बात करवा दें। शामिर साहब की वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी तो आज ऑफ पर है। जी जी, खुद किया है तुमने? कहाँ थे आप? ऑफिस में था, और कहाँ होगा। फिर फोन किया था मैंने चेक करने के लिए। हर बीवी का इख्तियार है कि अपने शौहर पे चेक रखे, लेकिन इख्तियारात का गलत इस्तेमाल अक्सर बहुत तकलीफ दे होता है। आप दोनों कैसे एक दूसरे का साथ पाके इतने बेशरम और नडर हो जाते। हजरा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हारे सवालों में ही है। तुम दोनों की एक ही पसंद थी, तुम दोनों का पसंदीदा गाना भी एक ही था। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर भी तुझको गुदा है यार। बेवफा ते मेरा रब ही गवाह, यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह। सोने रब दे अग्गे देवा देवा मैं दुआइयां। तुम दोनों को जिंदगी एक साथ लगा के किसी एक की जिंदगी में आ जाऊंगा। पर वो ये जान गई थी कि मैं तुम्हें चाहता हूं, और हम ही हैं जो उसके बाद उसकी जिंदगी में घुसते चले गए। शुक्र है तुमने दरवाजा तो खोला। तुम तो हमारी शादी के बाद ऐसे गायब हो गई हो जैसे हमें जानती ही नहीं। अंदर नहीं बुलाओगी क्या? ये सारी बातें यहां दरवाजे भी कर लें। दिल तो चाहता है तुम लोगों को अंदर आने ही ना दूं, लेकिन तुम्हारी मर्जी के आगे बस ही कहां चलता है मेरा। मुझे तब भी उसकी नजरों से खौफ आता था जब भी तुम मुझे अकेले उसके घर भेजती। Thank you.
मेरा मेरी जगह इतनी आसानी से उसे कैसे दे दे, कैसे दे दे? ट्रस्ट मी हसरा, ये आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। एक जंग लड़ी है मैंने, तुम खुद जानती हो। अरे मैं तो उससे कतराने लगा था, उसके सामने जाने से भी घबराने लगा था। इससे अच्छा वेलकम नहीं हो सकता मेरे लिए। और मोहब्बत इतनी करता हूं हजरा तुमसे के दिल करता है जब भी मैं वापस आऊं तो तुम यूं ही मुझे सॉरी, मुझे लगा अजरा है, सॉरी। मैं मर जाऊंगी शामी, वो भी यही कहती है। मेरा दिल है ना, वो इस वक्त एक ऐसे तराजू की तरह है जिसमें दो औरतों की मोहब्बत बराबर रखी है। जिस दिन तुम्हारी गोद में मेरी औलाद होगी, तुम्हारी कदर का वजन भी बढ़ जाएगा। मैं मर जाऊंगी शामी, मैं मर जाऊंगी, मेरे साथ ऐसा नहीं कर, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी शामी, मेरे साथ ऐसा दुहाइया 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 मोना, दरवाजे पे अजरा है। क्या? तुम एक काम करो, तुम उसको यहीं बैठा, कुछ भी हो जाए उसे मेरे कमरे में मत आने। अंदर आ सकती हूँ? ये कोई पूछने की बात है अजरा, क्या करूं? जबरदस्ती दूसरों के घर में जगह बनाने की आदत नहीं है मुझे। प्लीज आ जाओ। ना मैं सब भूल जाऊंगी, मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगी, अगर प्लीज तुम मेरे शौहर का पीछा छोड़ दो, तुम भूल जाओ शामीर को। तुम शामीर को मेरी तरफ मोड़ दो, उसे मुझसे दूर मत करो। मैं शामीर को बांट नहीं सकती और ना ही शामीर के बगैर रह सकती हूँ। मुना, आज मैं तुमसे अपनी अमानत लेने आई हूँ। वो अमानत जो मैंने तुम्हें कभी दी ही नहीं थी। हजरा, वो भी इंसान है, उसका भी खुशियों पे उतना ही हक है ना। वो भी तुमसे मोहब्बत करता है, तुम उसे औलाद की खुशियों से क्यों महरूम रखना चाहती हो? मेरे बच्चे तुम्हें बड़ी अम्मी कह के बुलाएंगे। मुझे बड़ी अम्मी नहीं, अपने बच्चे की मां बनना है।
मेरे परवरदिगार, मेरी बंजर खोक को हरा भरा कर दे। खैर से आपदा के हाँ फिर से बच्चा होने वाला है, बस अल्लाह मेरी बच्ची का ये वक्त खैर व आफियत से गुजार दे। आमीन। दो लफ्ज आमीन के ही कह दे बेटा। मेरी औलाद ने क्या बिगाड़ा है तेरा जो तेरा मुंह बन गया? नहीं नहीं, मैं ऐसे क्यों जाऊंगी? को बहुत बहुत मुबारक हो। कसम से अगर ऐसा हो जाएगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ये घर बच्चों से भर दे। आमीन। और वैसे भी जिस घर में बच्चे होते हैं वहां तो रौनक ही रौनक होती है। भाई की बिना बस अब एक बेटी हो जाए, एक बेटा एक बेटी, फैमिली कंप्लीट। मेरी मेरे अल्लाह से दुआ है मेरे शामीर को भी बाप बना दे, उसे वारिस दे दे। आ जाएंगी कल तक। कहाँ है भाभी? वो अपनी माँ के घर पे है। अरे भाई, पर इस तरह उन्हें वहां क्यों छोड़ा है? गलत बात है। आप चाहिए अभी बच्चों को वहां छोड़ के आइए उनके पास। अरे भाई क्यों छोड़ा है? हम मर गए हैं क्या जो अपने बच्चे नहीं पाल सकते? इधर आ मेरा बच्चा, इधर आ, इधर आ जा, इधर आ जा, आ जा मेरा बेटा। क्यों रो रहा है? देखना यहाँ दादी हैं, चची हैं, चचा हैं, फिर रोने की क्या बात है? हा? डॉक्टर के चक्कर में मेरी मम्मा ने मुझे घर छोड़ के चला जाऊंगा। चुप आप, कठोर बनके किसी लुटेरे की तरह अपने बच्चों को माँ की गोद से छीन के ले गया हो, वो कभी माँ नहीं बन सकता। बच्चों को घर छोड़कर खुद ऑफिस चला जाएगा और बच्चे सारा दिन भूखे प्यासे यतीमों की तरह फूफियों के बच्चों की मार खाते रहेंगे। मैं कह रहा था मेरी अम्मी कब आएंगी? नहीं आएंगी तुम्हारी मामा, और ना ही हम उन्हें आने देंगे। फिर मैं अपनी अम्मी के पास चला जाऊंगा। कैसे जाओगे तुम? कैसे जाओगे तुम यहाँ से? देखती हूँ। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। तुम्हारा तो ना मुझे इलाज करना पड़ेगा। मुझे लगता है तुम्हें स्टोर रूम में बंद करना पड़ेगा मुझे। हिना क्या हो गया तुम्हें? माँ से दूर है, माँ को याद कर रहा है अपनी, और क्या कर रहा है? वो बच्चा नहीं है, ये सपोला है, सपोला। शिराज, यहाँ क्यों लेटे हो? ऊपर मारा, ऊपर शोर में बंद कर दिया। पापा ने मुझे ऊपर शोर में बंद कर दी थी। ऊपर शोर में बंद कर दी थी। थमिए एक मिनट, मैं आपसे नहीं, हिना से बात कर रहा। तुम जानती भी हो कि वैसे भी बच्चा मां के लिए बिलक रहा है और तुमने उस पर हाथ उठाया। बड़ी है, फूफी है, और बड़े छोटों को समझाया ही करते हैं, कभी प्यार से कभी मार भी देते हैं। और अगर बच्चों के माँ बाप घर पर नहीं होते तो उनको स्टोर में बंद करने की धमकी दी जाती है। अरे बेटा, एक ही बात बार 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 करेगा तो उकता के डराने धमकाने के लिए बोल देता है बंदा। धक्का दिया है तुमने, और वो एक ही चच्ची जो उससे प्यार करती है उसके पास भी जाने से मना कर दिया। शामिल प्लीज, तुम यहीं नहीं रह सकते मेरे पास। मुना, चंद महीनों की बात है, रुक जाओ, देखते हैं आगे इस कहानी में हम तीनों के लिए क्या लिखा है।
इन बच्चों को तरोताजा करने के लिए अल्लाह ने खुद ही मेरे पास भेज देगा। जानती है पप्पी अम्मा क्या कह रही थी? कह रही थी कि अगर आप घर नहीं आए तो शाहनवाज भाई की दूसरी शादी कर देंगी। वो कर दे मेरी बला से। मिलवाई बच्चों को माँ से? अब नहीं नहीं पप्पी अम्मा, मैं तो इनको मॉल लेके गई थी, बहुत बोर हो रहे थे ना इसीलिए। अच्छा, हमने तो सुना था कि बच्चों को उनकी माँ से मिलवाने गई हैं आप। ऐसी कोई बात नहीं है। सच कह रही हैं? सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ओफो भाई हिना, जब वो कह रही है कि वो नहीं गई थी मिलाने, मॉल लेकर गई थी, तो मान लो ना उसकी बात, पीछे ही पड़ जाती हो हर बात के तुम तो। हजरा मेरी प्यारी बहन, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा अच्छी सी चाय पिला दो और उसके साथ पकोड़े खिला दो मिर्चों वाले। मैं भी लेकर आती हूँ। अच्छा, जब आप वहाँ होते थे तो क्या करते थे, मुझे याद करते थे? जी, दुआ करते था। दुआ करते थे? क्या दुआ करते थे? मम्मा पापा साथ रहे। बैठो बेटा। देखो शाहनवाज, झगड़े लड़ाई तो हर घर में होते हैं, मैंने बहुत समझाया मुस्कान को, तुम भी थोड़ी सी लचक पैदा करो, लड़ाई झगड़े के जाओ मुस्कान, अपना सामान समेटो और जाओ शाहनवाज के साथ। मुझे जाना होता तो मैं उस दिन चली जाती जिस दिन ये मेरे बच्चे अगवा करके लेके गया था। मैं बाप हूं इनका, इसीलिए उठाई गिरों की तरह माँ की गोद से बच्चे छीन के चले गए तो अपनी अनह और जिद मनवाने के लिए बच्चे छीनने का हक किसने दिया था तुम्हें? अजरा, अजरा किधर है? पार्लर गई। अजरा पार्लर गई? आए बेटा, उसने फैसला कर लिया, जैसे तू शादी से पहले उसका दीवाना था ना, अब वो बनेगी वैसे ही तेरी दीवानी। अभी बनवाई है? हाँ। माशाल्लाह। अरे आज माशाल्लाह। मुबारक मुबारक माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। खैर मुबारक। अब बोलो क्या बात है? वो कुछ नहीं, अकेले बोर हो रही थी, सोच रही थी सब कैसे लग रहे हैं। मोना तुम भी ना, सब अच्छे लग रहे हैं। ओके अजरा कैसी लग रही? वो भी अच्छी लग रही। कितनी अच्छी लग रही? मोना मेरी बात सुन, इस वक्त ना मेरे पास इन सवालों के जवाब का टाइम नहीं है। ओके, तो बाद में बात करते हैं। पहली बीवी जब ज्यादा प्यारी लगने लगे ना, तो दूसरी बीवी से बेजारी होने लगती है।
वैसे उसे याद दिला देना। चंद ही महीने रह गए। शामी किससे और कौन से सवाल जिनका जवाब आप नहीं देना चाहते? अजरा बस एक दोस्त से बात कर रहे थे, जरूरी बात थी, पर छोड़ो, चलो चलते हैं। बहुत बुरे हैं आप शामिल, आखिर कब तक मुझसे ये दुश्मनी निभाते रहेंगे आप? और तुम आखिर कब तक यही बातें दोहराती रहोगी? जब तक जिंदा हूं तब तक। अपना ये वादा याद रखना आप शामिल, अगर मुझे औलाद हो गई ना तो आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। मुबारक हो, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप मां बनने वाली हैं। क्या डॉक्टर आप सच कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। मेरे रब तो कितना रहीम है, मेरी जिंदगी में मौजज़ा कर दिया तूने, मुझ नाजीस की सदा सुन ली, मेरी फरियाद सुन ली। रब मैं तेरी शान पे कुर्बान, जब तक जीऊंगी तेरा शुक्र अदा करती रहूंगी। अगर उस शामी मैं मां बनने वाली हूं। शामी आपने कहा था ना कि अगर मैं मां बन गई तो आप उसी शादी नहीं करेंगे। ये देखिए मेरी रिपोर्ट्स। ये क्या है शामिर? किसका बच्चा है मोना? किसका बच्चा है मोना? क्या पूछूं मैं तुमसे, किसका बच्चा है ये? किससे शादी की इसने शामिर? शामिर से। ये क्या कह रही है शामिर? ये आपका बच्चा नहीं हो सकता। आपने तो मुझे मोहलत दी थी ना, और देखिए उस वक्त से पहले ही मैं मां बन गई शामिर की। ये नहीं हो सकता। अजरा मैं क्या करता, तुम्हारी बीमारी देखकर मैं बेबस हो गया था, तुम्हें मरने तो नहीं दे सकता था। कवा से यार तू मेरे इश्क दा, निकलिया बेवफा तू अखा किसे होर नाल लाया। उसका इंतजार करना छोड़ दो, अब वो नहीं आएगा। उठा लो ना, वरना सब्र नहीं आएगा उसे। हाँ जरा बोलो, कहाँ हैं आप? कहाँ होना चाहिए मुझे इस वक्त अजरा? मेरे पास। तुम्हें कोई काम था?
मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अगर आप मम्मी अम्मा से मिलने के बाद भागने की बजाय मुझे डॉक्टर के पास ले जाते ना, तो मुझ पे कोई एहसान नहीं करते बल्कि अपना फर्ज ही निभाते। अजरा मैं ऑफिस में हूँ। बता दो उसे सच सच तुम कहाँ हो। समझती थी अगर मैं चुप हो जाऊंगी तो कम से कम आप मेरे साथ इंसाफ जरूर करेंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरे से बदतल होने के साथ साथ आप समीर भी हो जाएंगे। अजरा आए मेरी बच्ची, जो जेवर तुझे बरी में चढ़ाया था वो तेरा है, तेरे हक मेहर का है, तो तू मालिक है उसकी। हाय बेटा, अगर वो जेवर तू अपनी छोटी बहन को दे दे तो ये माँ तेरा एहसान नहीं भूलेगी। आए करेगी ना ये एहसान अपनी माँ पे बेटा। मेरा वादा है तुझसे, शामीर से कह के उससे कहीं अच्छा जेवर मैं तुझे बनवा के दूंगी। और तू फिकर ना कर, मैं तुझे कह देती हूं इस घर की बड़ी बहू तेरे अलावा कोई बन ही नहीं सकती। तेरी फूफी माँ तेरे साथ है। अब मेरी जिंदगी का अव्वलीन मकसद तुझे शामीर की पलकों पे फिर से बिठा। अरे तू फिकर ना कर, वो मोना को तो मैं हसरत बना दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सब क्या हो रहा है अजरा? कुछ नहीं शाहनवाज भाई, घर की बात है। घर की बात कैसे? ये तुम्हारी मिल्कियत है, तुम्हें मजबूत बनाती है। अपनी दौलत किसी और के हाथ में दे देना बेवकूफी है। आए बेटा, हम कौन सा लूट रहे हैं इसे? तुम्हीं ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही है, क्या मतलब है तेरा? अपनी मर्जी से दे रही है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की हमने। वापस करें इसका जेवर। नहीं नहीं शाहनवाज भाई, मैंने सब कुछ अपनी मर्जी से दिया है और मैं क्या करूंगी, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। हाँ हाँ, अपनी मर्जी से दे रही है वो। वापस करो जेवर। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी भाभी का जेवर उतरवा कर खुद पहन रही हो? अभी तक जेवर बना नहीं है वैसे। हाँ तो आप अपना दे देना, आपकी भी तो बहन है। अम्मी अम्मी, आपको खुद सोचना चाहिए, इस गरीब के बच्चे का ही सोच ले, इसके बच्चे का हक है। आइंदा ये बेवकूफी मत करना, इस घर में सब ताकतवर हैं सिवाय तुम्हारे। जीती रहे बेटा। तुम उस घर में रहना चाहती हो? शामीर, हम दोनों ने छुपके शादी की है। जब तक औरत को ससुराल का सहारा ना मिले वो मशकूक रहती है। फिर हमारा बच्चा होने वाला है, उसे उसे ददियाल की जरूरत पड़ेगी। मोना, तुम उस घर में एडजस्ट नहीं कर पाओगी, जानता हूं मैं। तुम मेरा शौहर बन के नहीं बच्चे का बाप बन के सोचो। मेरे लाख कहने के बावजूद अड़ोस पड़ोस के लोग मुझे शक की निगाह से देखते हैं।
ऊपर से ऑफिस में मुझे देखते के साथ खुसर फुसर शुरू कर देते। शामीर, इस वक्त हमें खानदान की जरूरत है। कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग? मैं बताती हूँ बेटा। कहना हम ये चाह रहे हैं बेटा कि भाभी के कमरे में जाना, रातों की तारीकी और तन्हाई में उससे गुफ्तगू फरमाना और बीवियों की तरह बात बात पे उसकी हमदर्दी जताना, ये ठीक नहीं है। ए बेटा, जमाना बड़ा खराब है। जमाना खराब नहीं है, आप लोग खराब हैं। अरे कहना क्या चाह रहे हो तुम? हाँ, हम लोग खराब हैं। मैं तुमसे ये पूछती हूँ कि तुम मुझे ये बताओ कि जब शामीर को उसकी फिक्र नहीं है तो तुम किस चक्कर में उसके आगे पीछे हो रहे हो? क्योंकि शामीर एक बेहिस इंसान है और असरा एक मासूम लड़की है जिसके साथ इस घर में ज्यादती हो रही है। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि तुम उसकी खिदमत गुजारियों में लग जाओ। और ये बात याद रखो तुम मिस्टर, अजरा शामीर की ही बीवी है। वो मेरी भाभी भी है। शाहनवाज भाई, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि भाभी और जेठ का रिश्ता ऐसा नहीं होता कि मुंह उठा के किसी भी वक्त उसके कमरे में चले जाएं, रात की तारीकी और तन्हाई में गले ही लगा लें। मां परेशान क्यों हो रही हैं? वो वापस आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाय बेटा, देख तेरी माँ किस कदर मजबूर बैठी। अब ये वक्त आ गया है कि बेटों को ढूंढती फिर रही है। कहाँ गए? कहाँ है भाई? कहाँ जाना है उसको? वहीं गया जहाँ उसकी बीवी है। देखिए, सच बात यह है कि मैं भाई के मिजाज को अच्छी तरह समझता हूँ, और अगर वो चले गए हैं तो भी तो वापस नहीं आएंगे। आप जरा उनके गुस्से को ठंडा होने दें, खुद भी ठंडे दिमाग से ही सोचें, सब ठीक हो जाएगा। तो चलता हूँ मैं। अरे, हमारे घर पे कयामत टूट पड़ी है और तू अपना घर छोड़ के मूना के पास जाने की बात कर रहा है। मैंने कहा ना, उसकी तबीयत खराब है, हो सकता है उसे हॉस्पिटल लेकर जाना। लेकर जाना हुआ तो कौन लेकर जाएगा? अकेला नहीं छोड़ सकता मैं उसे। और वैसे भी मैं अपने घर में रहना चाहता, पर एक शर्त, एक मजबूरी है मेरी। मोना भी मेरे साथ रहेगी इस घर में। वो यहाँ क्यों रहेगी? क्योंकि मैं रहूंगा यहाँ आके। हमारा उससे ताल्लुक क्या है बता? अरे पर अम्मा, मेरा ताल्लुक तो है ना, बीवी है मेरी, होने वाले बच्चे की माँ है। हाँ तो तू रखना ताल्लुक उससे, हमारे सर पे क्यों मंड रहा है? मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, मैं रहना चाहता हूँ अपने घर में, मोना के बगैर नहीं रह सकता, मजबूरी है मेरी। आप लोगों को मंजूर हो तो बता दीजिएगा मुझे, वरना ऐसे ही आता जाता रहूंगा। शामीर, मुझे तेरी शर्त नामंजूर है, समझा? चलता हूं। अच्छा तरीका निकाला बेटा अपनी जिम्मेदारियों से भागने का दोनों भाइयों ने। ना बेवा माँ का सहारा बनना पड़ेगा और ना ही यतीम बहन का ब्याह करना पड़ेगा। शामीर, मत जाए, रुक जाए प्लीज। क्यों? तुम्हें मेरी मजबूरी, मेरी शर्त मंजूर है? नहीं, कभी नहीं। ख्याल रखना। यार बेवफा ते मेरा रब ही गवा, सुन रब दे के देवा, देवा में दुहाइया। मान जाती तो कदर करती उसकी मैं। अरे वो तो सिद्ध पे अड़ी हुई है,
कुछ सुनने को तैयार नहीं, ऊपर से अम्मा भी उसी का साथ दे रही। नेचुरली भतीजी है उनकी, ऑब्वियसली उसका साथ देंगी। ऐसे मामलों में ना वो सिर्फ अपनी बेटियों का साथ देती है, उन्हीं के लिए खून जोश मारता है उनका। समझ में नहीं आ रहा है सबके बीच मकसद क्या है। ये तो मेरी माँ का एहसान मानो, एहसान क्या है तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारा घर बचाने चली हैं? उल्टा तुमने उनका ही बेटा ऐंठ लिया। इससे तो अच्छा था कि शाहनवाज इश्क की पींगे अजरा से ही बढ़ाता रहता। और नहीं तो क्या बीबी, एहसान मानो मेरी माँ का। आंख मटका चल रहा था शाहनवाज का अजरा के साथ। बकवास बंद करें आप, ना अजरा ऐसी है और ना शाहनवाज। हम ही बुरे हैं, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ओ बीबी, अरे मैंने तो तुम्हारा घर बचाने के चक्कर में ये नेकी की थी यतीम समझ के। अरे मुझे क्या पता था कि इस नेकी के चक्कर में अपने बेटे से ही हाथ धो बैठूंगी मैं। बड़ा फायदा उठाया तुमने, बहुत फायदा उठाया। अरे क्या समझती हो तुम, हमारा बेटा ऐंठ के इस तरह आराम से रह लोगी यहाँ पे? याद रखो, अपने पे किया जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सारे जमाने में ऐसा बदनाम करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। सिर्फ एक फीसद ही सही, मगर ये उम्मीद जरूर थी कि मेरी माँ अपनी ज्यादती पर शर्मिंदा होगी, मगर अब वो भी नहीं रही। आपकी बेटियां आपका घर कभी भी बेटों के दम से आबाद नहीं होने देंगी। क्या सोचते हैं आप लोग, क्या बोलती हैं? अपनी जबानों से रौनती हुई बहुओं को निकल जाती हूं। बेटा ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने, हैं? वो तो खैर छोड़ ना बिन बातों को, घर चल मैं सब बता दूंगी तुझे बेटा। खैर से तेरी बहन की शादी होने वाली, चल 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 के सारे गिले शिकवे दूर कर लेते हैं बेटा, हम तो तुझे मनाने आए हैं। आपके लिए आपके बेटे सिर्फ और सिर्फ आपका एटीएम कार्ड है और कुछ नहीं। हमें आप परेशान ना हो, मेरे जिम्मे जो फराइज हैं वो मैं अदा करने आ जाऊंगा। चलो मुस्कान। अल्लाह तेरे होने वाले बच्चे को सलामत रखे, तेरे शौहर को तेरे हक में झुका दे बेटा। आमीन। यमा मेरे पास और भी सामान है, डिनर सेट्स, कुछ बर्तन भी, अगर आपको वो पसंद आए तो आप वो भी रखें। अरे बेटा अब तो तेरा ही सहारा है, बेटों से तो कोई उम्मीद कहीं की है ही नहीं कि बहन के जहेज के बारे में वो भी सोचेंगे कुछ। पर तूने बेटा बन के दिखा दिया है मुझे। अम्मा ऐसी बातें मत करें, आपने जो मुझ पे एहसान किया है वो बहुत बड़ा है। आपने उस मोना को इस घर में नहीं आने दिया, अगर आप चाहती उसे इस घर में ले आती, मेरे सर पे लाके खड़ा कर देती, मगर आपने ऐसा नहीं किया। आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। हैं? हाँ बेटा क्यों नहीं, जीती है, अल्लाह तुझे खुश रखे। पर हम रहेंगे कहाँ? तुम्हारे कमरे में। मेरे कमरे में? तुम अजरा के साथ रहोगी? नहीं, तुम्हारे साथ। तुम अजरा को कोई और कमरा दे देना। सब क्या है पुपीम? तो कहा था कि आप इसे इस घर में नहीं आने देंगे। पर ये घर मेरा भी है,
मैं भी यही रहूंगा और अब से मोना भी यही रहेगी। अम्मी आपके लिए तो अजरा हो या मोना दोनों ही आपकी बहुएं हैं ना, और मैं आपके बेटे को छीनकर अलग घर में नहीं रहना चाहती और ना ही अपने बच्चे को आपकी शफकत से महरूम रखना चाहती। आपकी बहू हूं ना। अपनी अम्मा इस मक्कार को बाजू से पकड़ के इस घर से बाहर निकाल दे। बस एक बात सोच लीजिएगा, मेरा दूसरा बाजू आपके बेटे ने थामा हुआ है। अगर मैं यहां से चली गई तो आपका बेटा भी आपके हाथ से निकल जाएगा। मेरा क्या है, आजकल की बहुएं तो तरसती हैं अलग घर बसाने के लिए। मैं तो खुद चल के आपके पास आई हूं ताकि आपके साथ जिंदगी गुजार सकूं। और अजरा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम दोनों के हकूक बिल्कुल बराबर के होंगे। तुम्हें पूरा हक दूंगा मैं और तुम्हें छोड़ थोड़ी रहा हूं मैं। मुझे आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज बीवी को ले और चले जाए यहां से। हम मिल बार के हिना की शादी कर लेंगे। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे कर लेंगे शादी, अपने बाप जैसे भाई को गवा दें? क्या हो गया जरा भाभी आपको, आप तो हिना का मसला ही बना लेती हैं हर चीज को। बेटा अगर तो तेरे फूफा जिंदा हो अभी कान से पकड़ के इसे अभी के अभी घर से निकाल दे, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं मेरी बच्ची। मेरा और मेरी इन यतीम बच्चियों का यही तो सहारा है। अपनी अम्मा मैं भी तो आपकी कुछ लगती हूँ, मेरी तकलीफ नजर नहीं आ रही। मैं तो वही तकलीफ मुझे देना चाहती है, मेरा बच्चा छीन के मुझसे। अजरा हम दोनों बहने बन के रहेंगे इसी घर में। तुमने बहनों के रिश्ते को काली दी है। सौतने कभी बहने नहीं बन सकती। जो औरत मुझसे मेरा शौहर छीन ले वो क्या बहन बनेगी मेरी? तुम सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन हो जिसने दोस्त बन के दगा दी है। शामिल प्लीज उसका सामान ऊपर शिफ्ट करा दो। रात भर इस बिस्तर पे मुझे अजरा का लम्स कांटे चुभाता रहा। तुम परेशान मत हो, कल लंच ब्रेक में उसका सामान शिफ्ट करवा दूंगा मैं। तुम्हारी रात कैसे गुजरी, तुम्हें कितनी हसरत थी ना यहां तक पहुंचने की, मेरे घर तक, मेरे कमरे तक और मेरे बिस्तर तक। प्लीज अजरा इस तरह की बातें करना छोड़ दो वरना खुद को पागल कर दोगी तुम। पागल तो मैं थी, पागल हूं और पागल। क्या हो गया अजरा, दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया है। महबूब शोहर खूबसूरत दोस्त ने मिलके मुझे पागल बनाया है। किसने बनाया पागल है? किसने? तुमने ही तो बनाया मुझे पागल। तुमने और शामीन ने मिलके अजरा को पागल बनाया है। कोई पागल कर दिया तुम दोनों ने मुझे, और मैं
मैं समझती थी कि तुम मेरी दोस्त हो, अज़रा समझती थी कि मोना अज़रा की दोस्त है। तुम दोनों तो मेरा मजाक उड़ाते होगे ना, तुम दोनों मिलके मजाक उड़ाते होगे तो अज़रा तो पागल हो गई है, अज़रा का तो दिमाग खराब है। तुम दोनों ने मिलके मुझे बिल्कुल पागल कर दिया, दिमाग खराब कर दिया है। प्लीज मजाक उड़ाती होगी ना मेरा शामी के साथ मिलके? हाँ उसके साथ तुम रात गुजारती हो ना, उसके साथ रहती हो ना तुम? मुझे पहले ही बता दी पसंद है, तुमने मेरा दिमाग भागती का जा रही हो। आने में अपना भयानक अस्तु देखती जाओ। आप मोना को लेकर बशर्त क्यों नहीं हो जाते? सिर्फ इसलिए अज़रा कि वो यहाँ नीचे रहकर थोड़े अरसा घर वालों का दिल जीतना चाहती है, उनके दिल में जगह बनाना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। दादी का शहजादा, सदके जाए दादी। हाय दादी की जान है। छोटा गुड्डा कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी, वो मुस्कान की अम्मी के पास है। शाहनवाज, साफ लफ्जों में मना कर रखा था तुझे मैंने कि ये मनहूस अब इस घर में कदम ना रखे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं यहाँ अपना सामान लेने आई। जंग की पका का मोर्चा अपनी माँ के घर बांधा था, मेरे पास दो कदम रखने के लिए जमीन भी नहीं है। तुम्हारे पास जमीन है, ये घर तुम्हारे बाप और तुम्हारी सास की मुश्तरका मलकियत है। यहाँ इस तरह मुजरिमों की तरह नहीं, मालकन की हैसियत से जीना सीखो। अज़रा भाभी, आपको जरा भी डर नहीं लग रहा? आप अम्मी से इतनी बदतमीजी कर रही हैं। अगर शामीर भाई ने आपको खड़े खड़े घर से निकाल दिया तो क्या कर लेंगे आप? कभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये घर मेरा भी है। जिसका घर था ना, वो तुझे काल कोठड़ी में बंद करके चला गया था। वो तो मेरा एहसान मान जो तुझे यहाँ रखा हुआ है इज्जत से, कब की निकाल चुकी होती। आप ऐसा सोचिएगा भी नहीं कि आपके लिए आसान नहीं होगा। ये घर आपका, मेरे बाप की मुश्तरका मलकियत है। क्योंकि घर मेरे शौहर और बाप दोनों का है, तो मेरा भी इस पे बराबर का हक है। अज़रा, तुम मेरे खिलाफ कोर्ट जाओगी? आप तो मुझसे बात ना ही करें तो बेहतर है, कहीं ऐसा ना हो कि जायदाद के साथ साथ दूसरी शादी का केस भी खुल जाए। प्रेग्नेंट औरतें कितनी भद्दी हो जाती है ना। तुम नाराज हो मुझसे? नहीं, तो रात गई बात गई,
तो फिर मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? तुमने कुछ पूछा था मुझसे? हाँ, मैंने पूछा था कि प्रेग्नेंट औरतें कितनी भद्दी हो जाती हैं। फिर इस सवाल का जवाब दिया ना मैंने, मुझे कल रात की तरह फिर से रोने लगोगी थी। आपकी छोटी बहू अजरा नजर नहीं आ रही। यही होगी, अभी तो थी इधर, मेरा ख्याल है अंदर गई है जरा काम से। ये आपकी क्या लगती है? ये मेरी सौतन है। ये तो तुम्हारी सहेली मोना है ना? हमें तो लगा इसकी शादी हो गई। शादी हो गई उसकी? जानती है किससे शादी की इसने? देख रहे हैं ना? वो मेरे शौहर है। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे शौहर से शादी की है। सौतन है वो मेरी। अरे अरे, बातें तो होती ही रहेंगी, पहले रसम तो कर लें। हाँ अब। नहीं 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 नहीं, आप कहाँ जा रही हैं? इतनी जल्दी किस बात की है? तो मैं आज अपने सारे घर वालों को बताना चाहती हूँ कि इन सारे घर वालों ने मिलके मेरे साथ क्या क्या किया है। ये बात सुनी छोड़ दे। ये देख रहे हैं ना, ये इधर आए ना, ये मेरे शौहर हैं। इनकी मोहब्बत तो आप सब जानते होंगे, याद होगी ना आपको मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे ये, मगर ये भूल गए हैं। और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड मोना, मेरे शोहर की बीवी, वो भी भूल गई है। मुझे ये कहते हैं कि अजरा तुम्हारे पास है 8 महीने, माँ बन के दिखाओ। मैं पागलों की तरह पौधों से, पत्तों से, परिंदों से दुआएं मांग रही हूँ कि खुदा मुझे औलाद दे दे, मुझे माँ बना दे। और जिस दिन मुझे पता लगा कि मैं माँ बन गई, तो मैं कुछ खबरी लेके इनके ऑफिस जाती हूँ उनको बताने। अब मैं वहां क्या देखती हूँ कि वहां ये मेरी बेस्ट फ्रेंड अपना भरा पेट लेके मेरे शौहर के दफ्तर में, उनके कमरे में, उनके साथ बैठी। चुप कर जाओ। उनको तो जानते ही होंगे ना आप, मेरी पप्पी जान, मेरी सास भी है ये। बड़ी हक पर इस औरत है, इन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, हर चीज हथिया ली इस औरत ने मुझसे। शामिर बस मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया मुझे। छोड़ दे मुझे, झूठे हैं ये लोग। छोड़े मुझे, आज मैं किसी काबिल हो तो यहाँ पर अकेले सड़ते रहो। शामिर तुम्हें इस यहाँ क्यों आ गए? क्योंकि बाहर ना मैं किसी को फेस नहीं कर सकता। तुमने समझाया उसे? तुम चुप रहो और तुम बाहर चली जाओ प्लीज। मैं भी लोगों को फेस नहीं कर सकती। खासी मेरी जिंदगी गुजर रही थी, पता नहीं खुद ही अपने पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मारनी थी मैंने। काश कि तुमने उससे
तमाशा नहीं किया, कुछ जिंदगी की वजह से नहीं। I'm sorry यार, प्लीज माफ कर दो। दफा हो जाए यहां से। शामिर, हमारी बेइज्जती का सिलसिला कब खत्म होगा? सच बताऊं तो कब लगता है कभी नहीं। जैसे आज तक लोगों की मोहब्बत की दास्तान लिखी गई है, मुझे लगता है मेरी बेवफाई की दास्तान लिखी जाएगी। किस गुनाह की सजा है ये बदकिस्मती? क्यों मुझे नामुरादों की कतार में खड़ा कर दिया है? खाली हाथ, खाली दिल, खाली कोख। लाला, शायद तू यही चाहता है कि मेरे जैसी बदनसीब औरत इनाम ही मर जाए, खसरा की कोई निशानी ना बचे इस दुनिया में। पर अगर तूने मुझे जीने का हुक्म दिया है तो जीने के लिए सांस भी तो थे। मिट जावन दुख तेरे ते हुन कदी ना जुदाइया। तुम उसके पास मुझे अकेला क्यों नहीं रहने देती? लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो उसने भरी महफिल में मुझे और तुम्हें जलील किया, तमाशा बना दिया, ये बात किसी को याद नहीं है। बजाय इसके कि उस बात का उसे एहसास दिलाया जाए, तुम उसके सामने झुकोगे ना तो और सर चढ़ेगी वो। देर ही रहने देते, खुश नहीं होती है तो आपका चेहरा नजर आ जाता है मुझे। अजरा, तुम जो चाहे कह सकती हो, मैं गुनहगार हूं तुम्हारा। आपने मेरे बच्चे की जान ले ली और आप कह रहे कि आपसे गलती हो गई। चाहती क्या है वो? मुझसे वफा और तुम्हें तलाक, मैं दे दूं। देना चाहते हो तो दे दो। तुम जी लोगी? वो आज अस्पताल में है, कल मैं होंगी। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी कब्र में होऊंगा। ना करे शामिर, ऐसी बातें मत करो। बीवी के पास गया, किसी गैर औरत के पास नहीं गया। अभी मिट्टी पलीत की है उसने, दो रोज पहले। तो तू भी मुझे कोई मिट्टी पाक करने वाली तो लगती नहीं।
अच्छा चल जा, जाके बावर्ची खाने में खाने का बंदोबस्त कर, मेरी शुगर लो, कमजोरी हो रही है बहुत। रात के बर्तन भी भरे हुए हैं, उनको भी धो के ही आना। जब तुम मां बनने वाली थी, जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था, तो मैं बहुत खुश था। झूठ बोल रही हूँ, आप खुश नहीं थे। आ जाएगा बेटा, दो घड़ी उस गरीब के पास भी बैठ लेने दो उसे। मैं कसम खाकर कहता हूँ, खुश था मैं, पर उस जो हालात थे, जो सब, मैं उनमें क्या तुम्हें अपनी खुशी दिखाता, क्या महसूस कर पाता? तनु अपने में सीने लाके सारे दुख मिटावा। शामिर, शामिर, मनहूस भी जाएगी अस्पताल। शामिर, अरे क्या हुआ तुम, क्या हुआ? शामिर मेरा पाँव बहुत दर्द हो रही है। तुम यहाँ कर क्या रही हो यार? तुम्हें किसने कहा था यहाँ पे आने के लिए? मैं ऊपर गई थी तुम्हें देखने के लिए। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे कमरे में ले चलो। चलो उठो, आराम से उठना, और कोई जरूरत नहीं थी, मैं नीचे ही आ रहा था। तुम तो हमेशा कहती थी ना, बांट लूंगी मुझे उसके साथ। झूठ कहती थी मैं, मुझे अंदाजा ही नहीं था इस तकलीफ का। मुझे लगता है मेरा सर फट जाएगा, मेरा दिल रुक जाएगा। शामिर, तुम उसके पास नहीं जाओगे, तुम अजर के पास नहीं जाओगे, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें उससे गले लगते हुए देखा तो मुझे लगा तुम उसे रखो, इसी घर में रखो, पैसा दो, इज्जत दो, लेकिन तुम प्यार नहीं दे सकते उसे, तुम उसे टच भी नहीं कर सकते। मैं नहीं होने दूंगी ये शामिर। ये रहा कमरा, तेरे दोनों मुजरिम अंदर बैठे, जा जाके मुनाजरा कर उनसे। आई मैंने क्या किया तेरा? तेरे भाई की किस्मत तो उसी दिन फूट गई थी जिस दिन तेरी नीच माँ को ब्याह के लाए थे। खबरदार, जो मेरी मरी हुई माँ का नाम आपने अपनी जबान से लिया तो नीच होंगी आप, नीच होगा आपका पूरा खानदान। मैं पुरानी वाली अजा नहीं जो आपकी हर बात पर दांत निकाल के हंसती रहती थी। मैं दफा, तेरे मुंह कौन लगे? मैं कहा ना शामिर, मैं बेबस। तुम एक बात मुझे सच सच बताओ, तुम उसके पास क्यों जाते हो? दिल की वजह से या शर्मिंदगी की वजह से? एक ही वक्त में दो औरतों से एक ही शिद्दत की मोहब्बत नहीं हो सकती। सिर्फ हमदर्दी का एहसास है, पछतावा है जिसे तुम मोहब्बत समझ रहे हो। पूरी जिंदगी भी गुजर जाएगी ना शामिर, तो ये बेवफाई का दाग नहीं भूलेगा। मैंने ये बात तस्लीम कर ली है कि मैं बेशरम दोस्त हूँ। तुम भी ये बात मान लो कि तुम एक बेवफा शौहर हो और बस। बैठो।
ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, पैर में ऑलरेडी लगा था हॉस्पिटल। शामिर वो घर के लिए एक मुलाजमा रख लें प्लीज। ए बी, हमारे यहाँ मुलाजमा नहीं होती, बहुएं करती हैं घर का काम। क्यों, बेटियां क्यों नहीं करती? क्योंकि बेटियां पराया धन होती हैं, इसलिए काम नहीं करती। बहुएं होती हैं जो मालिकन होती हैं घरों की। प्लीज मुझसे आराम से बात कीजिए, मैं बहुत दिनों से बहुत कुछ सुन रही हूँ और इस घर में बहुएं कितनी मालिकन हैं इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है मुझे। कान खोल के सुन ले, मैं अजरा नहीं हूँ जिसका मियां बगल में दबाओगी और भाग जाओगी। मैं भी अजरा नहीं हाँ, जिसे आप अपनी जहरीली बातें सुनाकर नोच खाएंगी। कान खोल के सुन लो, ये जो इस चार दीवारी में खड़ी हो ना तुम, ये मेरी मरहूने मिन्नत हो। अपने किए पे आ जाओ ना, अभी पार्सल करके भेज दूं यहां से तुझे मैं। जी नहीं, जिस रकम की दम पे मैं मौजूद हूं ना, वो शामिर ने आपकी बेटी की शादी पे खर्च की है। तुम प्लीज अंदर आओ, मुझे वैसे भी तुमसे बात करनी, चलो। प्लीज प्लीज करता रहे तू, तेरे जैसे मर्द होते हैं जो बीवियों को खराब करते हैं, प्लीज और सॉरी के बीच में झूलते रहते हैं। बेगैरत को गुद्दी से पकड़ लगा दो और खींचता हुआ ले जा कमरे में, ताकि मेरा बच्चा भी जाया हो जाए, है ना, और इसकी जिंदगी भर की कमाई आप और आपकी बेटियां खाएं। वाह, क्यों ना खाएं, मां हूं उनकी मैं, क्यों नहीं खिलाऊंगी। तो मां होने का मतलब ये तो नहीं होता कि कलेजा भी खा जाए। बेटियां जाएं घूमने और बहुएं करें किचन की नौकरी। ऐसी माएं सिर्फ अपनी बेटियों का भला देख सकती हैं बस, बेटे की खुशी तो रास ही नहीं आती। और मुझ पर रोब डालने से पहले ना एक बात अच्छी तरह से जान ले, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मेरे शौहर का घर है, मुझे खाना देना होगा आप लोगों को। अरे जा बाहर बैठा हुए, मांग उससे जो मांगती है। मांगूंगी, जरूर मांगूंगी, ना हक मांगूंगी, और अगर नहीं देगा ना तो कोर्ट के जरिए घसीटूंगी मैं उसे। और अंदर मुझे हाथ मत लगाना। देख रहे बेटा, देख रहे थे, अच्छा हुआ तूने आज अपनी आंखों से सब देख लिया। तेरी बीवियां मेरी वो बेइज्जती करती है। अरे अपनी बीवियों से कह दे मुझे तब तक यहाँ बर्दाश्त कर ले जब तक मेरी बच्चियां नहीं आ जाती, फिर तू जान तेरा नसीब जाने। हाय अल्लाह, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी बस। अरे खराब हो गई है बेटा, मेरी तबीयत चक्कर आ रहे। तुम दोनों ना दफा हो जाओ यहाँ से, और नजर नहीं आना मुझे। आप यहाँ पर आराम से बैठिए, बात करते हैं। बेटा नहीं, अब मुझसे नहीं बर्दाश्त हो। तुम्हें डॉक्टर ने मुझे पुरसुकून रखने को कहा था, बेसुकून करने को नहीं। मैंने मना किया था ना तुम्हें, कहा था इस घर में नहीं आ, ये भी समझाया था तुम्हें कि इस घर में दिलों से मोहब्बतें उड़ जाती हैं, पर तुमने एक नहीं सुनी मेरी। साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी अम्मी का मिजाज काफी है मोहब्बत को दीमक लगाने के लिए? ना जाने कौन कौन से अमराज में मुब्तला है वो, खुद सरी, खुद परस्ती, खुद तरसी, और खुद से जुड़ा ना जाने क्या क्या। तुम आई क्यों हो यहां? तुम्हारी मोहब्बत में कई बार सुना नहीं तुमने, तारीख खुद को दोहराती है, अगर अल्लाह चाहे तो क्या नहीं कर सकता। यही शामिर मोना को छोड़कर मेरे पीछे दीवाना हो जाए, इसी मोना का बच्चा उसके पेट में उसी तरह मर जाए जिस तरह कुछ नाम रात का मर गया। यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह, यार बेवफा।
ते मेरा रब ही गवाह सुन रब दे के देवा देवा में दुहाइया 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 देवा में दुहाइया रवि नाल तू मेरे में फिर भी कटा जदाइया साफ ये देंगे मुझे पहले दो वक्त की रोटी तो दे दे मुझे तुमने खाना नहीं खाया मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया मेरे खाने की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं आप भर गया मेरा पेट आपकी बेवफाई से बेरुखी से और बेदर्दी से भर गया मेरा पेट खुदा करे शामिर आप कभी खुश नहीं रहे आपको भी इतनी तकलीफ मिली जितनी मुझे दी आपने कभी खुश नहीं रहे आप और चाहे यहाँ से मेरे पास मत आए करें जाके अपनी महबूबा के पास बैठे जिसकी फिक्र है आपको जिसके खाने की रोने की सोने की फिक्र है आपको निकल जाए यहाँ से निकल जाए मेरे दिल से बिल्कुल वैसे जैसे आपने मुझे अपने घर से अपनी जिंदगी से निकाल दिया निकल जाए यहाँ से चले जाए यहाँ से शामिर 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 नीचे चलो जाओ जाके सो जाओ शामिर नीचे नहीं आएंगे शामिर नीचे चलो तुम्हें कमीज नहीं है तुम्हें आप भी आपस में बात करने चली जाओ यहां से नीचे जाओ बोला तुम जाओ मैं आ रहा मैं कह रही हूँ नीचे चलो मेरी तबीयत खराब हो रही है मैंने तुमसे कहा ना तुम जाओ मैं आ रहा तुम जाओ शामिर कहीं नहीं आएंगे तबीयत मेरी भी खराब है शामिर मेरी भी तो तबीयत खराब है ना मैं भी तो आज अस्पताल जा रही हूँ आप कहीं नहीं जा सकते शामिर मेरी तबीयत ठीक नहीं है प्लीज नीचे चलो सनी जाओ यहाँ से तुम्हारा मसला क्या है तुम्हें हर वो चीज चाहिए जो मेरी है तुमने सब कुछ ले लिया मतलब मुझे मेरे जान को मैं नहीं मिल सकता सनी जाओ यहाँ से शामिर आप कहीं नहीं जाओगे आपको मैं कहीं नहीं जाने दूंगी शामिर नीचे चलो मेरी बात है मैं भी आता हूँ मैं इसको सुला के आता हूँ तो समझो ना यार समझ के जब उसकी तुम्हारी जिंदगी में कोई गुंजाइश है नहीं तो जबरदस्ती क्यों बांधे रखा हुआ है उसे
कोर्टों की धमकियां दे रही है वो, अदालतों में हमारी शादी पर केस करने की बात कर रही है वो, जायदाद के बंटवारे की धमकियां दे रही है वो, और तुम हो कि अभी भी सोच रहे हो शामिल। शामिर आ गई है, ले दे तलाक इसे, फिर जाके करे कोर्ट कचहरी, हम भी देख लेंगे, चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं हमने हाथों में, ले जाके अदालत से अपने बाप की जायदाद, धमकियां देती है। अरे आप में तो अब भी शर्म बाकी है, आंख मिलाते हुए घबरा रहे हैं। तुम्हें तलाक चाहिए? ये वो वाहिद चीज है जो मैं आपसे मांगू तो आप मुझे यूं फटाफट दे देंगे। जना तुम मुझे ये जली कटी बातें सुनाना खत्म नहीं कर सकती। जो खुद चल कर क्या वो क्या लोरिया सुनाएगा, और आपने तो लोरिया सुनाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। असल पर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे कोर्ट जाने से मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बढ़ जाएगी? यकीन माने अगर कोई अदालत होती जहां मोहब्बत की सुनवाई चलती तो आपकी सजा कम से कम सजाए मौत होती। पर इस बार मोहब्बत ना सही, मुझे मेरा हक चाहिए। मर्द है कम से कम ये लड़ाई तो ईमानदारी से लड़े। अपनी मां बहनों से कहें मुझे मेरा जेवर वापस दे दे ताकि मैं अपना खर्चा पूरा कर सकूं। तुम्हें कितना खर्चा चाहिए तुम्हें? अरे क्या हो गया शामिर, क्या बोल रहे हो? मैं बात कर रहा हूं उससे। कितना खर्चा चाहिए? 3 वक्त की रोटी बगैर किसी ताने के और 10,000 जेब खर्च। हो जाए मैं अज़रा को कभी तरबतर के ठोकरे खाने नहीं दूंगा। तुम भी मेरी बात सुन लो, मैं और अज़रा नदी के 2 मुख्तलिफ किनारे हैं, साथ चल सकते मिल नहीं सकते। तुम्हें जितनी चाहे मिसालें देनी है नमूना तुम दे दो, पर मैं अगर चल सकता हूं तो तुम दोनों को साथ लेकर। क्यों देवता बनने की कोशिश कर रहे हो? मैं बस इंसान बन रहा हूं, अच्छी तरह जानती हो तुम। शादी हमने की पर इसकी सबसे बड़ी सजा अज़रा ने भुगती है। पहली दुनिया जहान की तकलीफें सह चुकी है, अब तुम सब चाहते हो मैं उसे तलाक दे दूं, जीते जी मार दूं उसे। ये मैं कभी नहीं करूंगा। क्या अज़रा इतनी कम कीमत लगाई है खुद की, इतने सस्ते में ही बिक गई। करती भी तो और करती क्या, मेरी मोहब्बत तो इसी लायक है जिससे कोई कबाड़िया पीना खरीदे शायद। मैं चलूं इन्हीं से अपना दिल बहला लेती हूँ फिलहाल।
क्या हुआ? क्या हुआ? तुम लेट जाओ प्लीज। नहीं, लेटने का टाइम नहीं है शामिर, हॉस्पिटल चलो। यू श्योर? हाँ आई एम श्योर, लेट्स गो। आराम से, ध्यान से। शामिर एक मिनट, तुम यूं रुको यहाँ। सर, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम साथ चलोगी प्लीज? कोई हॉस्पिटल मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है। पागल हो गई हो क्या शामिर? सीधा सीधा जीते जी मार डालो उधर मुझे। देखा, तुम प्लीज चलो ना, मैं अकेला हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आना। चलो। शामिर यहाँ गाड़ी रोके सर। क्या? गाड़ी रोके शामिर। क्या हो गया? अरे पर क्यों? मुझे जरूरत का कुछ सामान, गाड़ी रोकी आपके साथ। पागल हो गई है ये शामिर, चलो। पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? दिमाग शायद आपका खराब हो गया। मेरा बच्चा मार के आपको लगता है कि मैं आपके बच्चे पैदा कर मानती हूँ आपको? थैंक यू, जान दो छोड़ने के। शामिर शामिर चलो, बस छोड़ो इसे, प्लीज चलो। जरा गुजरी हुई बात को याद करके खुद को अजीब देने का क्या फायदा है? वो चाहते थे कि मैं उनको तसल्लियां देते हुए उनका हाथ थाम के उनके साथ उनकी बीवी को अस्पताल लेके जाऊं, मगर मैं क्यों लेके जाऊं? मैं क्यों उसकी दूसरी बीवी के बच्चे को? मैं भी उन्हें बीच रास्ते में गिरा छोड़ा। मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ और वो भी ठीक है और आपकी वाइफ भी ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। अम्मा अम्मा बेटा हुआ है। आय तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। आय तूने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे, बहुत मुबारक। बाजी के यहाँ बेटा हुआ है? हाँ, तुम लोगों के यहाँ नहीं होते? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे शामिर को बेटा दे दिया अल्लाह ने, उस पे करम नवाजी कर दी। तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। मैं खुद भी डर गई थी। देखो ना, बिल्कुल तुम पे क्या है? पता है, कभी सोच भी नहीं सकता था औलाद की इतनी चाह, इतनी तलब थी मुझे। ऐसे लग रहा है तुमने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी मुझे। मैं ओ खिजर, चुप, मैं बस ये जानना चाह रहा कि तुमने सारी दवाई तो नहीं खानी है, बस बस सिर्फ ये जानना था। जा। तुम मेरे कमरे में कैसे है, क्या कर रहे हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से। मुझे लगा शायद आप मर गई। ये गोली खाई थी मैंने एक। I'm sorry. जाओ। तुम्हारा शोर। तुम क्या समझती हो खुद को? मेरी बेइज्जती करके, दूसरों के सामने शर्मिंदा करके, जलील करते हैं, सुकून मिलता है तुम्हें? हाँ चल, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था, पर तुम गाड़ी में जाके बैठ गई तो मुझे लगा जैसे जैसे तुम्हें एहसास है, जैसे आज भी तुम्हारे दिल के किसी कोने में मेरे लिए मोहब्बत बाकी है। मुझे बुरा लगने लगा था
कि तुम्हारे साथ ये सब जो उसके बाद तुमने किया ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे यूं जलील करके। अभी अभी तो लगता है आसरा कि तुम्हारे साथ जो सब कुछ हो रहा है कि छह साल में हो तुम शायद सही है। अरे फुफियां बन गई दोनों, माशाल्लाह। भाई वाला भी जीती रहे। उसकी कान बंद है ना। अरे शामिल बस करते अब घर जाएगा। अभी बहुत छोटा है, ऐसे नजर थोड़ी आ रहा होगा। जैसे ही इसे टॉयज की समझ आएगी ना तो तुम्हें बेजार करके रख देगा। मैं इसे कभी भी बेजार नहीं हो सकता, मेरा बेटा है ये। इतनी दुआओं के बाद किस्मत ने दिया है मुझे। देख जब ये बड़ा हो जाएगा तुमसे ज्यादा मुझसे अटैच्ड होगा ये। अच्छा रोजी भाई सुनो, फैसला हो गया, नाम रख लिया हमने, आप लोग मिल सकते हैं साथ से। क्या नाम है इसका? साथ, साथ नाम। साथ तो आपदा मचे के बेटे का नाम है। तो इतना ओवरिया क्यों कर रही हो? एक फैमिली में अगर दो साथ हो जाएंगे तो कोई कयामत आ जाएगी। इकबाला, इकबाला जी, गाड़ी में कुछ सामान रखा है वो जरा ले आओ। आपदा बाजी के बेटे वाला नाम रखा है शामिर भाई ने अपने बेटे का। हैरत है, आपके तो सिर्फ बेटे का नाम ही इसने चोरी किया है मगर मुझसे तो मेरा पूरा शौहर चल गया। तब तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ा। अजरा बीबी तुम तो मेरे मुंह ना ही लगो तो बेहतर होगा, ये सारी मुसीबत तुमने ही हमारे सर मंडी है। कौन है ये औरतें, कहां से आई हैं? अरे घर का सुख तो जैसे हम भूल गए हैं, कैसी मिसाली मोहब्बत थी हम बहन भाइयों में, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ख्वाब ख्याल सा हो गया। बुला अपनी बीवी को, उसे दो टोक बात करूं मैं। अरे क्या कमरे में बैठी जाल पे जाल बुनने जा रही है, इधर मर। बेगैरत, तेरी माँ और बहनें तेरे बच्चे की खुशी में शामिल ना हुई, मजाल है जो तुझे एहसास हो गया हो। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है ये? खामोश हो जा तू, ये माँ और बेटे का मामला है, मैं अपनी बहुओं को इजाजत नहीं देती बीच में बोलने की, समझी? मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ। और मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको बेटे से जरा भी प्यार है या फिक्र है, आप चाहती हैं कि वो यहाँ रहे। बेशरम ब्लैकमेल कर रहे माँ को, तूने जाना है ना, जा। आज जिस तरह अजरा ने रो धो के तेरे बिना जीना सीख लिया है, हम भी सीख लेंगे। जैसे उसे तेरे होने ना होने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें भी नहीं पड़ता। तू जाना चाहता है, जा अभी के अभी जा। जी शामिल भाई। अच्छा सुनो,
इकबाला, वो मोना अब ऑफिस जाया करेगी ना, तो उसकी गैर मौजूदगी में साथ अकेला हूँ। हो सके तो उसे अकेला नहीं छोड़ना, पास में रहना उसके, ख्याल रखना, ठीक है? जी शामिल भाई, और क्या करना है? कुछ नहीं करना, और जो कर रही हूँ कर लो। सारे दुख मिटावा, सुन यार मेरे नारो मैं सुना तेरिया सदावा, तनु अपने मसीने लाके सारे दुख मिटावा। क्या हुआ, क्या हुआ शामिर? मुझे लगा जैसे किसी अपने को देख लिया मैंने, देख के आप, तुम रुको मैं एक मिनट में। ओके। वो कौन था? नहीं कोई नहीं, ऐसे ही शायद लगा मुझे, कोई नहीं था। कुछ चाहिए तो नहीं था ना? कुछ है? नहीं नहीं, सब कुछ है। आपके लिए। कैसे? अच्छा है, पर मेरे लिए क्यों? हाँ तो और किसके लिए? मैं खुद भी ले सकती हूँ। अरे तो मेरी कोई दीवी चीज को एक्सेप्ट करने में कोई कबाहत है क्या? बस मुनासिब नहीं लगता। ये इतनी कोई गैर मुनासिब चीज नहीं है। चलो यूं समझो कि तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पैरों के लिए एक छोटा सा तोहफा है, तुम जो राह वफा में चल चल के छिल गए। वैसे जूते तोहफे में नहीं दिए जाते। अब अगर मैं चूड़ियां ले आता तो फिर आप शिकायत करती? जूते पहन के देखना, मुझे यकीन है पूरा आएंगे। बच्चा लगता हूं मैं, कुछ नहीं जानता,
मैं आशिक ढूंढ लिया ना तुमने अपने लिए। आशिक? हाँ आशिक, अच्छी तरह याद है मुझे। मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल होकर कुछ भी करता था तो कितनी खुशी होती थी तुम्हें। अरे अभी दिन ही कितने हुए मेरी दूसरी शादी को, तो तुमने अपने लिए दिल लगी का बंदोबस्त भी कर लिया। शर्म नहीं आई थी मोहल्ले के स्टोर पे खड़े होकर ये पड़ोस वाले लड़के के साथ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम स्टोर पे रोकूंगा, तुम्हें कुछ चाहिए यहाँ से? नहीं। क्या हुआ लिया? नहीं, वो जो चाहिए वो यहाँ है नहीं। लेकिन चाहिए क्या था, कहीं और से ले लेते। तो फिक्र नहीं करो, देखते हैं कहीं और मिल जाए। हम कल भी इस वक्त यहीं से गुजरे थे ना? पर आज क्या हो गया? कुछ नहीं, सोच रही थी कि आज हम घर नहीं जाते, कुछ देर यहाँ बैठ जाते। पक्की बात है? आए ना सलाम ना दुआ, किधर चला है जल्दी में? सलाम अलैकुम। आए दवाइयां लाए मेरी? नहीं भूल गया। भूल गया है ना, मूना का काम थोड़ी था जो तू याद रखता। ये माँ के ही काम भूले जाते हैं। अजरा ऊपर ही है ना? हाय, अरे खैर तो है बेटा, आज उसका पूछ रहा है, हैं? नहीं यार, आप बिना तंच पे तन तो आप थकती भी नहीं है। मैं सिर्फ ऊपर ये पूछने के लिए जा रहा था कि अगर उसे कोई दवा चाहिए तो आपकी दवाइयां ला रहा हूँ तो वो भी ले आऊंगा। मुझे क्या पता, मारी मारी फिरती रहती है जमाने भर में, किसी से कोई ताल्लुक ही नहीं रखती वो। ये दुखी और बेबी दोनों यहाँ मिलकर अपना दुख बांटते और एक दूसरे को हौसला देते। पाने के लिए क्या करते हो? किताबें पढ़ता हूँ और स्क्वाश भी खेला करो। बॉल को बार बार दीवार पे मारते हैं ना तो बहुत सुकून मिलता है, दूसरे को हराने का मजा एक और। चलो। कहाँ चलो? घर जाना है। और कहाँ जाएंगे? घर क्यों? वो इसलिए क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब है और वो बार बार तुम्हें याद कर रही है। ओ अच्छा,
खैर मैं घर जा रही हूँ, कल यहीं पर मिलेंगे। किसे होर नाल लाया सदा मैं मन तू मेरा ते मैं तेरिया हूं दस मैं किवें वंडा अपनी जिंद जानिया शामीर ढूंढ रहा था तुझे, कहाँ चली गई थी? आई शामीर, ओ शामीर, दवाइयाँ लाया मेरी? प्रेशर बढ़ रहा है मेरा। लाया, गाड़ी में पड़ी है। लॉक कर देता हूँ। मियां, आपको क्या हुआ है? मुझे क्या होना है? शामीर को कुछ हुआ है? हैं? कुछ सारे ही सटी आ गए हैं यहाँ पर, और तू क्या तमाशा देखने आ गई है? बेगैरत औरत, तू औरत नहीं है, तू चुड़ैल है, चुड़ैल। हम सबके कलेजे खा जाएगी तू। कहाँ बेची है मेरे बेटे की गैरत? कहाँ बेचाई है? ना वो बीवी जोगा रहा, ना वो माँ जोगा रहा, ना बहनों जोगा रहा, रहा तो सिर्फ तेरे जोगा। अरे क्या हो जाता है आपको, किस तरह की बातें करना शुरू कर देती है? तू चुप कर और लेके जा अपनी इस घंटी को, जो अपने गले के साथ साथ हमारे गलों में भी बांध दिया तूने। मेरे शौहर को क्यों जलील कर रही है आप? ये आपकी बेटियां आप ही की तरह हैं, अपना घर नहीं बसा सकी। पराई बेटियों को अपने बेटों से जलील करना बहुत आसान है, असल हिम्मत की बात तो तब है ना जब अपनी बेटियों की बारी हिम्मत सब्र और शुक्र से काम लिया जाए, जिसकी तवक्को अपनी बहुओं से होती है। शामीर, अपनी इस जोरू को ले और दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, निकल जा इस घर से अभी के अभी। बीना, Listen, I'm sorry. मुझे नहीं पता था मामला यहां तक पहुंच जाएगा। सोच नहीं सकता था अम्मा हाथ उठा देंगी तुम पे। आज बड़ी देर कर दी इसने, तब तो आ जाती है।
अचानक अजनबी होने की वजह पूछ सकता हूँ? मजबूरियां अजनबियों को शनासा करती थी, यही हमारे साथ हुआ। फिर ये शनासाई कैसे बेरुखी में बदल गई, यही जानना चाहता हूँ। औरत अपना घर बार बच्चे खानदान सब कुछ कुर्बान कर सकती है, मगर एक चीज है जिसके बगैर वो नहीं रह सकती, वो है उसकी इज्जत। मैं समझा नहीं। शामीरा मेरा सिर्फ नाम का ही रिश्ता है, तो जानते ही हैं शामीर ने मुझे मेरे हर हक से महरूम कर दिया है जो कभी मेरा था। अगर एक चीज है तो शामीर तो क्या, उसकी माँ बहने हत्या के मोना उसे कभी नहीं छेड़ सकती, और वो है मेरी शराफत, मेरी अपनी निगाह में मेरी अपनी। और वो जब तुमसे बात ही नहीं कर रहे थे तो तुम क्यों बैठी हुई थी उनके साथ? शुक्र है तुम्हें मैं नजर तो आई, वरना तुम घर आते के साथ ही अजरा को तलाश करते, भागे भागे पार्क चले जाते हो तुम। ये अच्छा तरीका है पुरानी यादें ताजा करने का, चोरी छुपे मिलके। जब यही सब कुछ करना था तो मैं क्यों हूं यहाँ पे? जब यही होना था तो क्यों की तुमने मुझसे शादी? इतनी गलती हो गई, और सच यही है मुना कि आजकल ऐसा ही लग रहा है मुझसे की गलती हो गई। और एक बात सुना, तुम पल्ले बांध लो, मैं करता हूं उससे मोहब्बत, करता था करता हूं और करता रहूंगा। मेरे इश्क दा इस बात का अच्छी तरह इल्म हो तू अखा किसे हो, यही सही है। लगता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप जल्दी से ये दवाइयाँ मंगवा दें। ये मेरी बच्ची तो ठीक है ना? आप जल्दी से ये दवाइयाँ मंगवा दें बस। लो अब आ रहे हैं मटकते हुए साहबजादे। क्या हो गया है, मामले की नजाकत को नहीं समझते? दूसरा बच्चा है, कैसे लेके आए बेढंगे तरीके से? आए बैठना बैठना, ये जल्दी से दवाई लेके, आपदा का ऑपरेशन हो रहा है, जल्दी बाकी हिसाब किताब कर लेंगे बाद में, जल्दी जा और जल्दी आना। बच्चे के साथ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? मोना मैं इसे प्यार कर रही थी बस। झूठ बोल रही हो तुम, तुमने किया और मैंने देखा, तुम इसका गला दबा रही थी ना और मेरे आने से रुक गई। अभी बताती हूँ। शामीर शामीर इधर आओ, देखो अजरा क्या कर रही है। गला दबा रही थी क्या हुआ? शामीर ये देखो मेरे बच्चे के साथ क्या करना चाह रही है, ये इसका गला दबा रही थी
मेरी उसे कसम ले लो, मैं यहाँ आई हूँ तो इसने इसको छोड़ा है ना मेरा बच्चा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जल्दी आ गई, वरना ये नफरत की मारी औरत ना जानी मेरे बच्चे के साथ क्या कर देती। शामी मेरी बात का यकीन करें, मैं बस यहाँ से देख रही थी, मैं प्यार कर रही थी इसे, मैं देख रही थी कि गुलाब पे गया, गुलाब की तरह मैं गला नहीं दबा रही थी इसका। नहीं शामीर, मेरा यकीन करो, इसका हाथ साथ के गले पे था। चुप कर जा। चुप रहूं? ये मेरा बच्चा मुझसे छीन लेना चाहती है और मैं चुप रहूं? हाँ चुप कर जा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता वो कुछ भी कर सकती है, और कभी कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे तुम्हें यार साथ को कोई तकलीफ पहुंचे। तुम इसकी फेवर ले रहे हो? फेवर नहीं कर रहा मैं, सच जानता हूं मैं, और तुम भी अच्छी तरह जानती हो, बचपन की दोस्त हो उसकी, तुमसे कुछ नहीं छीनना चाहती, यहां तक कि जो तुम छीन चुके हो उसे वापस भी नहीं चाहिए। क्या हुआ? आप रो क्यों रहे? मैं तो मुबारकबाद देने आया था। ठीक तो है बच्चा, तो नॉर्मल है ना? उजड़ गई तेरी बहन, सत्तौर ने तलाक दे दी, तलाक दे दी। हेलो, आने दे, मुझे नहीं परवाह। अजरा, ये कौन था? ये कोई नहीं भाभी, आप कब आई? मैं पूछ रही हूं कि ये कौन था? आपको आपदा बाजी के मुतालिक कुछ पता नहीं चला? क्या क्या हुआ आपदा बाजी को? वो ठीक तो है ना? अम्मी ने कुछ नहीं बताया आपको? यार सुबह ही तो उनसे बात हुई है, उस वक्त आपदाबाजी की बेटी पैदा हुई थी। बस उसी वक्त सतार भाई ने उनको तलाक दे दी। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मदद मांगू। ये फरिश्ता सिर्फ इंसान कौन था? हो सकता है गैब से कोई मदद लाया हूं। आप क्या बातें कर रही? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं। अगर एक मजबूत सहारा तुम्हारी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है तो तुम्हें वो हाथ थाम लेना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती और ना ही कभी ऐसा करूंगी। दुनिया वाले ना सही, मगर मैं कभी नहीं चाहूंगी कि शामी को ऐसा लगे कि उसने जो किया वो ठीक था। कौन सी दुनिया, कौन सा शामी? इन दोनों में से कोई भी तुम्हारी तन्हाई का साथी नहीं है अजरा, और इन लोगों की वजह से तुम एक ऐसे शख्स को खो दोगी जिन्होंने तुम्हें सिवाय तन्हाई के और कुछ नहीं दिया।
क्या हुआ? गवाह से यार तू मेरे इश्क निकले आवे वफा तू अखा किसे। कुछ नहीं, बस ऐसा लगता है मुझे कि हमें ना अज़रा पे थोड़ा रहम करना चाहिए, और क्योंकि उसकी तन्हाइयों का जिम्मेदार मैं हूं तो ख्याल भी मुझे ही रखना पड़ेगा। फिर भी पता तो चले कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। यही महसूस कर रहा हूं कि अब उस पर कोई ज्यादती नहीं करनी चाहिए हमें। बस लो, हम लोग उसके साथ क्या ज्यादती कर रहे हैं? वो ना जो बात समझाने वाली बताने वाली थी वो बता दी तुमने। एक बात और अच्छे से समझ लो, मैं अज़रा को कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। तू यहां कैसे? मुबारक हो यार। क्या हो गया, तेरी लॉटरी निकल आई क्या? मेरी नहीं, तेरी, बल्कि खाला की अल्लाह ने सुन ली यार। क्या, वीजा आ गया? जी, और ऊपर से एक अजीब इत्तफाक हुआ है। कैसा इत्तफाक? चल अंदर चल, बता दो, आ जा। हाय यार, ये सब क्या कर रही हो? वही जो तुम चाहते थे। और मैं क्या चाहता था? यही कि हम अपार्टमेंट में जाके रहे ना, और अब मैं सोच रही हूँ कि यही ठीक है। होना भी कैसे शिफ्ट हो सकते हैं अपार्टमेंट में? क्या आबिद आपा इतने सदमे से गुजर रही हैं? यही तो मैं कह रही हूँ, मुस्कान इस घर में है, अपने कमरे में, हिना अम्मी के साथ है, ऐसे में आपदाबाजी अपने बच्चों के साथ अम्मी के कमरे में कैसे रहेंगी? छोटा बच्चा है, 10 चीजें फैली होती हैं उसकी। कह तो तुम सही रही हो, मगर जब तक शाहनवाज भाई इस घर में है ना, एटलीस्ट ये टेंशन तो नहीं है कि घर में कोई मर्द नहीं। और हम ये क्या करेंगे कि माही और साथ को सुबह छोड़ के ऑफिस चले जाया करेंगे और शाम को यही आ जाया करेंगे। बस सिर्फ रात को ही घर जाना होगा ना। और अगर तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है तो माही और साथ घर पे ही रहेंगे, शाम को तुम्हारे घर आने से पहले मैं चली जाऊंगी, साथ को तैयार कर दूंगी, जब तुम घर वापस आओगे तो हम मिलकर यहाँ आ जाएंगे। देखो, पहले बच्चे सिर्फ नानी से मिलने आया करते थे, अब वो यहीं रहेंगे, इस तरह मुसाफिरों की तरह उन्हें जमीन पे तो नहीं सुलाया जा सकता ना। हमें आपदाबाजी को ये कमरा देना होगा। ठीक कह रही हो तुम, चलो थोड़ी देर में निकलते हैं। माही से कहो मदद कर दे तुम्हारी, सामान बाहर रखो, मैं चेंज करके आता हूँ। ऐसी बातें मत करो, एक और खुशी प्रकाश नहीं कर पाऊंगा। कल मेरी अम्मी आ रही है। वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है। मिलोगी? हाँ, वैसे ये अचानक क्यों आ रही, कोई खास बात है? हाँ है खास बात। वो क्या है? तुमसे मिलने आ रही है। सारे जग नु तू छड़िया तैयार, तू मेरी गली आईया, रवे नाल तू मेरे में फेर विकटा जुदाइया। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने।
सदा खुश रहो, आबाद रहो। दुआओं से ज्यादा मुझे आपकी माफी की जरूरत है भाभी। मैं जानती हूँ कि मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें एहसास हो गया, और माफ करने वाला तो अल्लाह की जात है। मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है तुम्हारे लिए। ये ले बेटा। ये क्या? ये जेवर है तेरा, संभाल के रखना। याद रखना माँ की बात, ससुराल में लड़की की इज्जत जेवर से होती है, और यही जेवर उसका सबसे बड़ा सहारा होता है। इसे संभाल के रखियो, समझी? ठीक कहती हैं। आज अगर ये जेवर ना होता तो शायद अजरा भाभी को तलाक हो चुकी होती। अम्मी अब अगर मैं वहां बसूंगी ना तो लोगों के दिल जीत कर बसूंगी। ये जिसका हक है उसी को मिलना चाहिए। आप एक बार ये देख लें प्लीज, ये आपका सारा जेवर है। देख के क्या कर लूंगी मैं, एक चीज चली गई सो चली गई। भाभी अम्मी कहती हैं कि जेवर औरत की ताकत होती है, और ये सब कुछ तो आपको मामू ने दिया था। तो हमारी जरूरत पड़ने पर आपने हमें दिया, ये आपका एहसान है, ये आपकी अमानत है, इसलिए आपको लौटा रही हूँ। तो अब तुम अपने घर वापस चली जाओगे? कहते हैं जब नियत साफ होती है तो मंजिल आसान हो जाती है। मैंने उनको मैसेज किया था कि मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ और घर वापस आना चाहती हूँ। तो फिर? फिर क्या, उन्होंने बोला कि तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो आ सकती हो, लेकिन मेरी अम्मी से माफी मांगनी होगी। और अजरा भी? उसी को तो समझाना है, आज भी वो दुनिया के डर से अपनी खुशियों से मुंह मोड़े खड़ी है। वो अब भी शामिर की बीवी है। सिर्फ कागजों पर शाहनवाज, असाब है, सिवाय जिल्लत के और कुछ नहीं है। मुस्कान, तुम भूल रही हो मेरी भाभी भी है। नहीं, यही तो मैं आपको याद दिला रही हूँ कि वो आपके मरहूम मामू की यतीम, इकलौती और बेसहारा बेटी है, बहन है आपकी शाहनवाज। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें ये सब पता था? जी वो जी। और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? मैं ये क्या बताता, मेरे हालात ही इतने बुरे थे, मैं कुछ सोच पाता? ऐसी मोहब्बत जिसे मैं किसी को ना कोई तहफ्फुज़ दे सकता था, ना रिश्ता बना सकता था, आपको क्या बताता? और उस लड़की को भी कुछ नहीं बताया? बताया था। फिर? उसने साफ इनकार कर दिया। मुझे उससे मिलना है, पहली बार मेरे बच्चे ने मुझसे खुशी मांगी है। मैं दुनिया से लड़के भी सिला दूंगी। तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा कि तुम शामिल से अलग हो जाओ। इन सब में आपका कोई कसूर नहीं है, और आप दोनों ने तो हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है। सारी जिंदगी में आप दोनों का एहसान नहीं भूलूंगी। ये सारी बातें तो आप लोगों ने सिर्फ सुनी ही है, पर मैंने ये सब कुछ सहा है। तुम मेरी बहन हो, मैंने तुम में, हिना में और आपदाबाजी में कभी कोई फर्क नहीं रखा, और ना ही कभी रखूंगा। इसीलिए बड़े भाई होने के नाते
मेरा तुम्हें यही मशवरा है कि तुम खुद को इस बेनाम बंधन से आजाद कर दो। मेरी मेरी अम्मी आई। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो आपसे मिलना चाह रही है। मुझसे? आप आइए ना प्लीज। तो तुम्हारा नाम अजरा है, बहुत प्यारा नाम है, खुद भी बहुत प्यारी है। तो आपकी मोहब्बत है, आपसे मिलके लग नहीं रहा कि पहली बार मिल रहे हैं। दिल से दिल को राह होती, जो माँ अपनी बेटी खो चुकी हो उसे सब में अपनी बेटी नजर आती है। शामिल, मैं ये बात जानती हूं, आज तक इस घर में जो भी गलत हो उसमें सिर्फ तुम्हारा कसूर नहीं है। मुस्कान और असरा को इस घर में जितनी भी तकलीफें उठानी पड़ी उसमें इनसे ज्यादा हमारी गलत सोच का कसूर है। आपदा बाजी, हम इसका किसी की आह है जो खामोशी से असर कर गई। शामिर, बेटियों वाले नहीं लेकिन बहनों वाले तो हो ना। किसी की बेटी को दुख देकर कौन सी खुशी देख सकोगे तुम? कवा से यार तू मेरे इश्क दा, निकलिया बेवफा तू अखा किस होर नाल लाया। यहां क्यों आए हो? मैंने मना किया था ना। देखो, मैं अपना प्यार को यकीन दिलाने नहीं आया, मुझे ये भी नहीं कहने आया हूं कि अगर तुम मान भी जाओ तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। मैंने क्या कुछ प्लान किया होगा? अच्छा होगा जो तुम मुझे सब कुछ ना ही बताओ। मैं जा रहा हूं ये बताने आया, जितनी जल्दी हो मैं साथ अम्मी को भी बुला लूंगा। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। दुआ में याद रखना। हाफिज। हाफिज। हेलो प्लीज मुझे माफ कर दो। जानता हूं तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, जितनी तकलीफ तुम्हें पहुंचाई है मैंने
अल्फाज कभी उनकी भरपाई नहीं कर सकते। एक औलाद की ख्वाहिश में पता नहीं क्या क्या। सॉरी, रियली सॉरी, और मैं वादा करता हूँ अब तुम जो कहोगी ना सब वैसे ही होगा। मैंने आपका कभी बुरा नहीं चाहा। जानती हूँ कि मैं जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी बातें कह दी आपसे जो कुछ नहीं कहनी चाहिए थी। बस खुदा मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर। सदा मैं मनया तू मेरा ते मैं तेरिया हूं दस मैं किवें वंडा अपनी जिंद जानिया। मोना मैं तुमसे कुछ तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है शामिर, क्योंकि किस्मत अपना फैसला सुना चुकी है और किस्मत में मेरी जिंदगी में सिर्फ तन्हाई लिखी है और तुम्हारे लिए अजरा तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। शामिर मैंने कोशिश करके देख ली और मेरे हाथ में क्या आया? कुछ नहीं। अब मेरा यहां पे कुछ नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। वक्त आ गया है शामिर तुमसे जुदा होने का। मेरी बेवफाई के लिए कभी मुझे माफ कर पाओगी? लिख लिया बेवफा तू अखा किसे हो।